हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, जैसा कि आपको पता है, इंस्टीट्यूट ने मई 2023 के लिए आपका आरटीपी इशू कर दिया था, सीए फाइनल का डीटी का। एक इंटरेस्टिंग बात इस बार ये रही कि इस बार आरटीपी इंस्टीट्यूट ने दो बार इशू की। तो एक बार जो पहली जो ओरिजिनल जो आरटीपी आई थी उसके इन्होंने 4-5 दिनों के बाद हटा लिया, फिर उसकी जगह अमेंडेड आरटीपी इशू कर दी थी। तो इसके पीछे क्या मतलब रीज़न है, मतलब ये हुआ कि ओरिजिनल आरटीपी और अमेंडेड आरटीपी में क्या अंतर है, इसके लिए हमने आपके साथ एक वीडियो शेयर की हुई है। तो आप बच्चे उस वाले वीडियो को जरूर से मतलब देखें, इससे आपको एक अंडरस्टैंडिंग आएगी। और वो अंडरस्टैंडिंग क्या आएगी कि अगर आप लेट से वीडीए रिसीव करते हैं, या अगर आप लेट से वीडीए के बायर हैं और आपने वीडीए बाय किया है फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, तो उसका क्या इम्प्लीकेशन होगा, इसके बारे में बहुत अच्छी इसमें आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो आप उस वाली वीडियो को भी जरूर से देखें। अच्छा, तो इस अभी हम आपके साथ बात करने वाले हैं मई 2023 के आरटीपी के एनालिसिस का। इसमें से डियर फ्रेंड्स, जो एमसीक्यू का जो पोर्शन है उसमें बहुत अच्छे अच्छे मतलब क्वेश्चन हैं, बट एमसीक्यू के अलावा जो आपका जो मतलब पोर्शन है उसमें से ज़्यादातर क्वेश्चन रिपीटेटिव हैं। हाँ, 3-4 जो इन्होंने अच्छे अच्छे मतलब क्वेश्चंस दिए हुए हैं जो कि फाइनेंस एक्ट 2022 का जो अमेंडमेंट है उस पे फोकस्ड हैं। तो हम आपके साथ उन क्वेश्चंस की बात करेंगे। बट जो क्वेश्चंस डियर फ्रेंड्स मतलब रिपीटेटिव हैं, जो कि इंस्टीट्यूट का एक तरह से हम कह सकते हैं कि इंस्टीट्यूट की मतलब पहचान बन गई है कि हर आरटीपी में इंस्टीट्यूट जो है उन क्वेश्चंस को घुमा फिरा के दे देता है, ऐसे क्वेश्चंस में हम आपका ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करेंगे। तो फिर स्टार्ट करते हैं मई 2023 का आरटीपी। इस आरटीपी के लिए डियर फ्रेंड्स हमने आपके साथ एक मतलब डिटेल्ड एनालिसिस बनाया हुआ है, तो आप उसकी ना पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं हमारे मतलब टेलीग्राम चैनल से, जिसका लिंक आपको इस वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया होगा। सो दिस इज अ फाइल जो कि हमने ये बनाई हुई है। बेसिकली ये दो फाइल है, एक्चुअली हमारे थोड़ा सा ना राइटिंग पैड का इशू हो गया था, तो ये दो अलग अलग फाइल है। तो ये तो साहब ये हैंड रिटन मोड में एक फाइल, और दूसरी फाइल जो है वो हमने जो है वो इलेक्ट्रॉनिक पैड पे बनाई थी। तो आप ये दोनों फाइल जो है वो जाके डाउनलोड कर सकते हैं मई 2023 के एनालिसिस का, और हम इस वाले एनालिसिस को इन्हीं फाइल्स के हिसाब से करेंगे। तो फिर आपका ज़्यादा टाइम अब नहीं लगाएंगे और जल्दी से फिर स्टार्ट करते हैं डियर मई 2023 के एनालिसिस का। अच्छा, मई 2023 की आरटीपी का एनालिसिस, ठीक है। बहुत ध्यान से इसमें डियर, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि एमसीक्यू के क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं जो कि आपको बहुत अच्छे से देख के जाने चाहिए, और दूसरा एमसीक्यू के अलावा जो पोर्शन है उसके भी स्टार्ट के 3-4 क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं। तो फिर जल्दी जल्दी से इस पर स्टार्ट करते हैं, चले मेरे साथ साथ देखेंगे। मिस्टर हरी एज 42 ईयर्स इज अ रेजिडेंट इंडियन हु इज अ सैलरीड एम्प्लॉयड। तो साहब आप ये जो है वो एक सैलरीड एम्प्लॉयड है। हिज सैलरी इनकम कंप्यूटेड, व्हाट आई मीन बाय द टर्म कंप्यूटेड कि सर इसमें जो भी आपको नॉर्मल जो सैलरी के लिए आपको जो भी एक्सपेंडिचर वगैरह अलाउ होता है वो आपको मिल गया, जैसे आपको सेक्शन 16 की डिडक्शन मिल गई, तो आपकी जो इनकम कंप्यूट होकर आती है वो आती है 17,50,000 रुपये। यहाँ पर मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ, अगर लेट से कि मिस्टर हरी जो हैं वो ETR ऑप्ट कर लेते हैं, वो अगर लेट से ETR ऑप्ट कर लेते हैं तो क्या उनको तो फिर उनकी सैलरी इनकम कितनी होगी सर, 18,00,000 रुपए। क्योंकि अगर आप लेट से ETR ऑप्ट कर लेते हैं उस केस में डियर फ्रेंड्स, उस केस में डियर फ्रेंड्स आप जो है वो ये क्लेम नहीं कर सकते, मीन्स आप जो है आपको सेक्शन 16 का स्टैंडर्ड मतलब डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो आप अगर आप 115BAC अगर आप ऑप्ट कर लेते हैं तो आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन वहाँ पे नहीं मिलेगा। बट इंटरेस्टिंग बात ये है कि क्वेश्चन कहता है कि मिस्टर हरी ने जो है वो ETR ऑप्ट नहीं किया, मिस्टर हरी ने ETR यहाँ पे ऑप्ट नहीं किया। क्वेश्चन में हम आगे आपके साथ देखेंगे कि यहाँ पे ये कहा गया है कि मिस्टर हरी ने 115BAC यहाँ पे ऑप्ट नहीं किया, चलें फिर वो तो खैर आगे आने वाली बात है, जल्दी से आगे बढ़ते हैं। अच्छा, हिज ब्रदर मिस्टर राजेश एज 45 ईयर्स इज अ रेजिडेंट इंडियन कैरिंग ऑन रिटेल ट्रेड बिजनेस इन विच ही इनकर्ड अ लॉस ऑफ 5-25। तो इन्होंने अपने PGBP का लॉस इनका 5-25 का। अच्छा, एक और बात मुझे आप बताना चाहेंगे सर, क्या मुझे बताएं बिजनेस लॉस को आप किससे सेट ऑफ कर सकते हैं? सर आप बिजनेस लॉस को बाकी सारे इनकम से सेट ऑफ कर सकते हैं एक्सेप्ट सैलरी, बट क्या आप अपने बिजनेस लॉस को VDA वर्चुअल डिजिटल असेट के प्रॉफिट से सेट ऑफ कर सकते हैं? नहीं सर, क्योंकि सेक्शन 115BH क्लियरली कहता है कि जो VDA का प्रॉफिट है साहब वो आपका फ्लैट 30% रेट ऑफ टैक्स पे उस पर आपको मतलब टैक्स पे करना पड़ेगा। आप VDA की इनकम से किसी और लॉस को सेट ऑफ नहीं कर सकते, और हाँ VDA का लॉस किसी दूसरे इनकम से सेट ऑफ नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा,
ही ऑल्सो ट्रेड्स इन वर्चुअल डिजिटल एसेट। ध्यान दीजिएगा, मिस्टर हरी जो है वो वर्चुअल डिजिटल एसेट में ट्रेडिंग करते हैं। यहाँ पे दो बातें आती हैं सर, मिस्टर हरी नहीं सॉरी मिस्टर राजेश, यहाँ पे दो बातें आती हैं। मिस्टर हरी जो है वो सैलरीड एम्प्लॉयड है और उन्होंने भी वीडीए में पैसा लगाया हुआ है, जैसे मैं आपके साथ आगे देखेंगे। तो यहाँ पे मिस्टर हरी ने भी वीडीए में पैसा लगाया हुआ, ठीक है। बट इनके जो ब्रदर है मिस्टर मतलब राजेश, इन्होंने भी वीडीए में पैसा लगाया हुआ है, बट मिस्टर हरी जो यहाँ पे वो सैलरीड एम्प्लॉयड है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मिस्टर हरी अगर वीडीए में पैसा लगाते हैं, वीडीए बोले तो वर्चुअल डिजिटल एसेट, ठीक है। तो अगर मिस्टर हरी अगर वीडीए में पैसा लगाते हैं तो इन्होंने वो पैसा वीडीए में किस फॉर्म में लगाया होगा, वीडीए एज अ कैपिटल एसेट, ठीक है। बट मिस्टर राजेश जो है चूंकि वो वीडीए का ट्रेड करते हैं तो इनके लिए वीडीए क्या है, बिजनेस इनकम या फिर बिजनेस प्रॉफिट, ठीक है। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात यह है कि चाहे आप वीडीए अपने कैपिटल एसेट की तरह से रखें या आप वीडीए जो है वो अपने मतलब ट्रेडिंग एसेट की तरह से रखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दोनों सिचुएशन में आपको 30% का फ्लैट टैक्स पे करना पड़ेगा अंडर सेक्शन 115 मतलब डबल बीएच। और हाँ, आप इसमें किसी भी तरह का इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं क्लेम नहीं कर सकते, किसी भी तरह का आप लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म का टैक्स रेट क्लेम नहीं कर सकते, आप किसी भी तरह का एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसफर क्लेम नहीं कर सकते। हाँ, वीडीए में सिर्फ और सिर्फ आप एक चीज क्लेम कर सकते हैं, वो है आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। सारी की सारी बातें हमने ये फाइल में आपके साथ लिखी हुई हैं, तो आप ये फाइल जरूर से हमारे टेलीग्राम चैनल से जाकर डाउनलोड कर लें। मैं सर जो भी बातें आपके साथ यहाँ पे कह रहे हैं ये सब कुछ डियर, हमने यहाँ पे बहुत ज्यादा टाइम लगा के यहाँ पे आपको सब कुछ लिख के दिया हुआ है, तो आपको अलग से कुछ भी नोट वगैरह नहीं करना। तो मेरे साथ साथ देखेंगे आगे। अच्छा, द डिटेल्स ऑफ द असेट्स ट्रांसफर्ड बाय मिस्टर हरी एंड मिस्टर राजेश ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 22-23 आर एज गिवन, ठीक है। तो साहब ये जो एसेट्स हैं जो उन्होंने ट्रांसफर किए हुए, आगे आते हैं। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 22-23 मिस्टर हरी हैज डिविडेंड इनकम ऑफ ₹10 लाख। तो इन्होंने साहब डिविडेंड इनकम अर्न किया है फ्रॉम द शेयर्स ऑफ इंडियन कंपनीज। तो ध्यान दीजिएगा डियर, अगर आपने डिविडेंड इनकम अर्न किया है तो आपको किसी भी तरीके का सच एक्सपेंडिचर वगैरह अलाउड नहीं होता। बट सेक्शन 57 एक बात कहता है, और सेक्शन 57 कहता है कि अगर आपने कोई डिविडेंड इनकम अर्न किया है तो उस डिविडेंड में अगर आपने पैसा लगाया था, अगर आपने शेयर्स में थ्रू मतलब बोरिंग्स अगर आप उस पर इंटरेस्ट वगैरह पे करते हैं तो आपको वो इंटरेस्ट का डिडक्शन अलाउड होगा अगेंस्ट दी डिविडेंड इनकम, बट मैक्सिमम कितना 20% ऑफ दी डिविडेंड इनकम। तो इसका मतलब क्या हुआ कि लेट्स से कि अगर मैंने लोन लिया और उस लोन को मैंने किसी कंपनी के शेयर्स में, उस लोन का पैसा मैंने किसी कंपनी के शेयर्स वगैरह में लगा दिया और उससे लेट्स से मैंने ₹1 लाख का डिविडेंड कमा लिया, ये ₹1 लाख है ये मेरे अदर सोर्सेज की इनकम बन जाता है। बट सर जी ये जो लोन लेके आपने जो इन्वेस्टमेंट की है उस लोन पे आपको कुछ इंटरेस्ट वगैरह भी तो देना पड़ेगा। तो सेक्शन 57 कहता है कि ठीक है आप इस लोन का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं अगेंस्ट दी डिविडेंड इनकम, बट मैक्सिमम कितना ₹20,000 ऑफ द डिविडेंड इनकम। तो मैं मैक्सिमम कितना लोन का डिडक्शन क्लेम कर सकता हूँ साहब, ₹20,000। लेट्स से कि मैंने ₹1 लाख का लोन लिया था, उस लोन पे मैं 10% के रेट से इंटरेस्ट पे करता हूँ, तो मेरा इंटरेस्ट पेएबल कितना है सिर्फ और सिर्फ ₹10,000। तो मुझे मैक्सिमम डिडक्शन कितना मिलेगा, ₹10,000। लेट्स से उस लोन में मैं 22% इंटरेस्ट पे कर मैं उस लोन पे 22% इंटरेस्ट पे कर रहा हूं, तो मैंने लोन पे इंटरेस्ट कितना दिया ₹22,000 का, बट मुझे मैक्सिमम कैप कितना है 20% ऑफ दी डिविडेंड इनकम। तो मुझे ₹1 लाख पे कितना मिलेगा मैक्सिमम ₹20,000, और मेरी डिविडेंड इनकम टैक्सेबल कितनी हो जाएगी, बिल्कुल से ₹80,000, ठीक बात है। तो यह बात आपको पता है। अच्छा, आगे आते हैं। बोथ मिस्टर हरी एंड मिस्टर राजेश डिपॉजिटेड 1:50 इन पीपीएफ, तो साहब आप एटीसी क्लेम कर सकते हैं। मिस्टर हरी हैज इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स अकाउंट ऑफ ₹22,000, तो साहब अगर आपकी सेविंग्स अकाउंट की इंटरेस्ट है तो आप ईटी टीटीए में ₹10,000 क्लेम कर सकते हैं डिडक्शन। और मिस्टर राजेश हैज इनकम फ्रॉम एफडी ऑफ ₹50,000, तो चूंकि मिस्टर राजेश की एफडी की इनकम है तो ये जो एफडी की इनकम है ये इनकी अदर सोर्सेस का पार्ट बन जाएगी। और चूंकि मिस्टर राजेश एक सीनियर सिटीजन नहीं है, क्योंकि साहब मिस्टर राजेश की भी एज 45 ईयर्स है, तो वो एफडी में एटी टीटी भी क्लेम नहीं कर सकते क्योंकि वो सीनियर सिटीजन के लिए है, और एटी टीटीए इनको इसलिए अलाउ नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे जो इंटरेस्ट है साहब ये सेविंग्स अकाउंट का नहीं है। तो मिस्टर राजेश के केस में एटी टीटीए एप्लीकेबल नहीं है, यू कैन गेटिंग, ठीक है। अच्छा, मुद्दे वाली बात है सर। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज दैट टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ लॉस ट्रांसफर फ्रॉम वीडीए। तो चलिए फिर एक एक करके ना हम आपके साथ ना ये एडजस्टमेंट्स देखते हैं। तो देखेंगे साहब, ये आपको जानकारी दी गई है मिस्टर हरी के बारे में, ये जानकारी दी गई है मिस्टर राजेश के बारे में। तो फिर जल्दी से एक एक करके मेरे साथ साथ सारे बच्चे देखेंगे। अच्छा, तो मिस्टर हरी ने ना लैंड एंड बिल्डिंग ट्रांसफर किया, मतलब सेल किया, तो डेट ऑफ एक्विजिशन थी 1/4/2021। अच्छा, सारे बच्चे बताएं साहब, लैंड एंड बिल्डिंग के केस में पीरियड ऑफ होल्डिंग की रिक्वायरमेंट क्या होती है टू कंसिडर इट एज अ लॉन्ग टर्म, कि साहब मोर देन 24 मंथ्स। तो अगर आपने 24 महीने से ज्यादा अपनी लैंड एंड बिल्डिंग रख ली तो फिर उस पर जो कैप गेन आएगा वो आपका लॉन्ग टर्म होगा, अगर 24 महीने या उससे कम है तो फिर शॉर्ट टर्म होगा, ठीक है। अच्छा, तो आपने लैंड एंड बिल्डिंग को अक्वायर कब किया था सर? आपने लैंड एंड बिल्डिंग को अक्वायर किया था 1/4/2021 को, और आपने इसको ट्रांसफर कब कर दिया? आपने इसको ट्रांसफर किया है
अच्छा 1421 को, और आपने ट्रांसफर किया है साहब, अच्छा 2823 को, तो ध्यान दीजिएगा डियर, दिस इज लेस देन 24 मंथ। इसलिए जो लैंड एंड मतलब बिल्डिंग है, दैट इज शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट, और इस पर आपको इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं मिलेगा, ठीक है। अच्छा, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है 20 लाख रुपए, एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर 1 लाख रुपए, और सेल्स कंसिडरेशन 30 लाख रुपए। तो इसका मतलब आपके टोटल हो गए 21 लाख रुपए, और 30 लाख का बिका, तो इसका मतलब 9 लाख रुपए का आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। अच्छा, दूसरा आते हैं, तो साहब ये इंटरेस्टिंग है, वर्चुअल डिजिटल एसेट, ध्यान दीजिएगा, मिस्टर हरी के केस में, मिस्टर हरी ने 1/4/2020 को 5,20,000 रुपए का वर्चुअल डिजिटल एसेट अक्वायर किया था। किस दिन आपने अक्वायर किया था, ये रेलेवेंट इसलिए नहीं है साहब, क्योंकि पीरियड ऑफ होल्डिंग जैसा यहाँ पे कुछ नहीं होता, यहाँ पे शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म जैसा कुछ नहीं होता, ये फ्लैट आपका जो है यहाँ पे वो टैक्स बन जाएगा, ठीक है साहब। अच्छा, डेट ऑफ ट्रांसफर है 1/9/2022, ये डेट ऑफ ट्रांसफर सिर्फ और सिर्फ इसलिए मतलब रेलेवेंट है क्योंकि हमें ये पता चल गया कि आपने इसको प्रीवियस ईयर 22-23 में ट्रांसफर किया है, ठीक है। अच्छा, एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर सेक्शन 115(BH) कहता है कि वीडीए में आपको किसी भी तरीके का एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर अलाउड नहीं है, एक्सेप्ट आपको परचेस कॉस्ट, कुछ भी अलाउड नहीं है साहब, ठीक है। तो इसको आपको, ये आपको अलाउड नहीं होगा, बट हाँ यहाँ पे जो सेल्स कंसिडरेशन है ये 490, तो ये 490 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इसको अपरेंटली देखते हैं तो यहाँ पे साहब हमें ना ये 30,000 रुपये का लॉस नजर आता है। मीन्स आपने 5/20 के वीडियो को 490 का सेल कर दिया, मतलब देर इज अ लॉस ऑफ ₹30,000। आई यू गाइस गेटिंग, किसी को बात समझ आई। और हाँ, ये जो 30,000 रुपए का जो लॉस होता है साहब, दैट इज अ डेड लॉस अंडर सेक्शन 115 मतलब BH, ये आपका जो लॉस, इसका किसी भी तरीके का कोई टैक्स ट्रीटमेंट नहीं है। सर एक बात बताओ, अगर हम, क्या एक वीडीए का लॉस किसी दूसरे वीडीए के गेन से सेट ऑफ नहीं कर सकते? नहीं कर सकते। एक वीडीए में अगर लॉस आ रहा है, दूसरे वीडीए में अगर आपको गेन आ गया, तो आप साहब इंट्रा सोर्स एडजस्टमेंट नहीं कर सकते। फिर से, आप इंट्रा सोर्स एडजस्टमेंट भी नहीं कर सकते, ठीक है। मतलब जिस वीडियो में लॉस आ रहा है उसको भूल जाओ, जिसमें गेन आ रहा है उस पर सरकार को 30% दे दो, ठीक है। अच्छा, आगे आते हैं। अच्छा, तो ध्यान दीजिएगा, एक बार फिर से देखेंगे, मिस्टर हरि ने साहब जो है वो 490 का वीडियो सेल कर दिया, और उस वीडियो को मिस्टर हरि ने 5/20 का खरीदा था। आगे बहुत इंटरेस्टिंग लाइन लिखी हुई है, सारे बच्चे ध्यान देंगे। FMV ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ VDA, तो जिस दिन मिस्टर हरि ने ये VDA सेल किया था, उसकी जो FMV थी वो थी 5/10, बट मिस्टर हरि ने इसको कितने का सेल किया? 4/90 का। आपको कुछ याद आ रहा होगा अक्सर, क्या? ध्यान दीजिएगा डियर, इनकम टैक्स एक्ट में कुछ स्पेसिफिक प्रोविजंस हैं, उन प्रोविजंस में ये दिया गया है कि अगर आपने कुछ स्पेसिफाइड एसेट्स को लेस देन दी FMV अगर आपने सेल किया है, तो हम आपके जो इनकम है यहाँ, जो आपका जो गेन है, वो हम उसके FMV या स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू के हिसाब से कंसिडर करते हैं। जैसे जैसे सर, अगर आप कैपिटल एसेट की, अगर आप कैपिटल गेन्स की बात करें, तो एक आपका सेक्शन है सेक्शन 50C, जो कहता है कि अगर आपने लैंड या बिल्डिंग वगैरह ट्रांसफर किया है और उसका जो ट्रांसफर प्राइस है वो लेस देन दी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है, तो कुछ सर्कमस्टांसेस में आपने जिस पे ट्रांसफर किया वो हम कंसीडर नहीं करते, हम उसका स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है साहब। इसी तरीके से सेक्शन है एक 50 सेक्शन 50CA, जो बात करता है कि अगर आपने लेट्स से अनलिस्टेड शेयर्स वगैरह ट्रांसफर कर दिए फॉर अ प्राइस लेस देन इट्स FMV, तो हम FMV कंसीडर करते हैं, ठीक बात। इसी तरीके से एक सेक्शन 50D वगैरह वगैरह, कुछ आपको स्पेसिफिक मतलब प्रोविजंस दिए गए, बट ये जो प्रोविजंस हैं, फिर से अच्छा, चीजों को मतलब सिंप्लीफाई करते हुए बहुत ध्यान से, चीजों को सिंप्लीफाई करते हुए बहुत ध्यान से, जिन सेक्शंस में जिन स्पेसिफाइड एसेट्स को मेंशन किया गया है, हम सिर्फ उन्हीं एसेट्स के रिगार्ड्स में उसका फेयर मार्केट वैल्यू या स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एज द केस में भी कंसिडर कर सकते हैं। जिन एसेट्स को स्पेसिफिकली कवर नहीं किया गया, उन एसेट्स के कॉन्टेक्स्ट में, हम उसकी एक्चुअल सेल्स प्राइस को कंसिडर करेंगे, हम उसकी FMV को कंसिडर नहीं कर सकते। और डियर, फिलहाल VDA के केस में फेयर मार्केट वैल्यू का कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं करता इन द हैंड्स ऑफ द ट्रांसफरर, तो इसका मतलब ये हुआ कि ट्रांसफरर ने जिस प्राइस में उसको सेल किया, या ट्रांसफर जो प्राइस शो करता है कि यार मैंने इसको इस पे सेल किया, हमें टैक्स पर्पसेस के लिए वही प्राइस कंसिडर करना पड़ेगा, हम उसका FMV ट्रांसफरर के पॉइंट ऑफ व्यू से कंसिडर नहीं कर सकते। बट सर, आप बार बार ट्रांसफर क्यों कह रहे हो? क्योंकि डियर, रिसिपिएंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कंसीडर किया जा सकता है, क्योंकि जब फाइनेंस एक्ट 2022 ने VDA को इंट्रोड्यूस किया था, उसी समय फाइनेंस एक्ट 2022 ने गिफ्ट की मतलब सेक्शन 56(2)(10) में प्रॉपर्टी के डेफिनेशन को अमेंड करके वहां पे VDA को भी डाल दिया था। तो अगर आपने लेट्स से VDA परचेज किया,
आपने लेट से वर्चुअल डिजिटल एसेट परचेज किया और आपने लेट से उसको परचेज किया फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, या आपने उसको, या अगर आपको वीडीए मिल गया एज अ गिफ्ट फ्री ऑफ कॉस्ट, तो रिसिपियंट के हैंड में साहब सेक्शन 56(2)(10) का इम्प्लीकेशन हो सकता है, तो हम उसको रिसिपियंट के हैंड से वहां पे कंसिडर कर सकते हैं। बट एज फार एज अ ट्रांसफरर इज कंसर्न्ड, हम अगर उस ट्रांसफरर ने उस वीडियो को एट अ प्राइस लोअर देन दी एफएमवी अगर दिया है, तो हम उसको कंसिडर नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। आर यू गाइस गेटिंग? ठीक है, अच्छा। तो आपने यहाँ पे मिस्टर हरि ने साहब 490 में वीडियो को सेल कर दिया, जबकि उस वीडियो की जो मार्केट वैल्यू थी वो थी 520। तो यहाँ पे अपरेंटली हमें देख के समझ में आ रहा है कि साहब 20,000 रुपए का आपने कम प्राइस चार्ज किया, बट हम यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते। हम ट्रांसफरर के हैंड में कुछ भी कंसिडर नहीं कर सकते, और हम जो है वो ट्रांसफरर के लिए जो सेल्स प्राइस कंसिडर करेंगे या जो हम प्रॉफिट कंप्यूट करेंगे, वो हम 490 का सेल्स प्राइस लेके कंसिडर करेंगे। आई होप सबको ये बात समझ आ गई। ठीक बात है सर। अच्छा, अब यहाँ पे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, ध्यान दीजिएगा। तो हमने कहा कि जो एफएमवी थी, मिस्टर हरि ने जो वीडियो सेल की उसकी एफएमवी कितनी थी, 5-10, बट मिस्टर हरि ने इसको 4 रुपए का सेल किया। और अभी हमने आपको बताया कि साहब वीडियो के केस में जो ट्रांसफर होगा, ट्रांसफर के कॉन्टेक्स में आज तक की डेट या आज तक की पोजीशन ऐसी है कि हम उसको जो है वो उसका हम उसका फेयर मार्केट वैल्यू कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, अच्छा, आगे आते हैं। पर्सन टू हुम ट्रांसफर, मतलब मिस्टर हरि ने ये जो वीडियो है, मिस्टर हरि की बात कर रहे हैं ना, ये मिस्टर हरि ने ये वीडियो ट्रांसफर कर दिया मिस्टर मतलब गणेश को, और गणेश जी क्या क्या कर रहे हैं, ही इज इंगेज इन द बिजनेस ऑफ ट्रेडिंग ऑफ फूड ग्रेन्स। तो इसका मतलब मिस्टर गणेश के लिए वो जो वीडियो है, डेट इज बेसिकली अ काइंड ऑफ कैपिटल एसेट, डेट इज बेसिकली अ काइंड ऑफ कैपिटल एसेट। और कैपिटल एसेट है, इसका मतलब ये हुआ कि ये प्रॉपर्टी बन गया सेक्शन 56(2)(10) के हिसाब से। मैं यहाँ पे आपको स्ट्रॉन्गली रिकमेंड कर रहा हूं कि आप साहब May 23 में RTP में इंस्टीट्यूट ने अमेंडमेंट क्यों की थी, वो वीडियो जरूर से देखें, जरूर से देखें। ठीक है साहब, अच्छा, तो हमने क्या कहा कि मिस्टर गणेश ने ये जो वीडियो परचेज किया, मिस्टर गणेश के लिए ये प्रॉपर्टी बन गया फॉर द पर्पस ऑफ 56(2)(10), क्योंकि साहब वीडियो के डेफिनेशन को अमेंड किया गया और वहां पे कह दिया गया कि प्रॉपर्टी मींस एनी कैपिटल असेट इन द हैंड्स ऑफ द एसेसी, और वहां पे वीडियो को भी डाल दिया गया। और मिस्टर गणेश जो है साहब ये फूड ट्रेडिंग के बिजनेस में एंगेज्ड हैं, तो इन्होंने जो वीडियो परचेज किया ये इंप्लाई करता है कि ये वीडियो उनके लिए क्या बन गया, कैपिटल असेट बन गया। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पे इन्होंने जो वीडियो जो इनको मिला, अच्छा, तो बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनेंगे सारे बच्चे। यहाँ पे मिस्टर गणेश को जो वीडियो मिला, सारे बच्चे बताएंगे साहब, इनको फ्री ऑफ कॉस्ट मिला या इनको पैसे देने पड़े? सर, इनको पैसे देने पड़े। इनको पैसे देने पड़े, अच्छा। तो क्या ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिला, मीन्स क्या ये ऐसा गिफ्ट मिला? सर नहीं। क्या इनको पैसे देने पड़े? हाँ। क्या जो कंसिडरेशन इन्होंने पे किया और जो इसका एफएमवी था उसके बीच में जो डिफरेंस है, क्या वो 50,000 से एक्सीड करता है? सर ये तो कहना देखना पड़ेगा। मिस्टर गणेश ने कंसिडरेशन कितना पे किया? सर 490, और एफएमवी कितना था? 510। मतलब ये हुआ कि मिस्टर गणेश ने वीडियो को खरीदने के लिए जो पैसे दिए वो थे 490 के, मतलब 490 दिए, और मिस्टर गणेश ने जो वीडियो खरीदा उसका एफएमवी कितना था? 510। उसका मतलब ये हुआ कि मिस्टर गणेश ने वीडियो 490 में खरीद लिया जो कि 510 की थी। ठीक बात है, इसका मतलब ये इनएडिक्वेट कंसिडरेशन का केस है। बट साहब 56(2)(10) को इन्वोक करने के लिए जो टॉलरेंस की लिमिट है वो कितनी है? 50,000 रुपये। इसका मतलब अगर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन 50,000 तक है तो 56(2)(10) इन्वोक नहीं होता। जैसे इनएडिक्वेट कंसिडरेशन 50 को क्रॉस कर जाएगा तो 56(2)(10) इन्वोक हो जाएगा, और पूरा का पूरा इनएडिक्वेट कंसिडरेशन का अमाउंट आपका 56(2)(10) में अदर सोर्सेज की इनकम बन जाएगा। ये बात आप सबको पता है। ठीक बात है, अच्छा, तो यहां पे साहब जो इनएडिक्वेट कंसिडरेशन का अमाउंट है वो कितना है सारे बच्चे बताएं? 20,000 रुपए। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पे 56(2)(10) के लिए, 56(2)(10) के लिए टॉलरेंस का लिमिट कितना है? 50,000 रुपए। वो 50 को क्रॉस करेगा तभी 56, तो ही हम 56(2)(10) इन्वोक करेंगे, जो कि यहाँ पे क्रॉस नहीं कर रहा। इसलिए मिस्टर गणेश ने, हाँ ये हकीकत है, ये सही है कि इन्होंने एक वीडियो परचेज किया फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, बट मिस्टर गणेश बिंदर रिसिपिएंट इनके हैंड में 56(2)(10) इन्वोक नहीं होगा, क्योंकि ये जो 50,000 रुपये, क्योंकि ये जो इनएडिक्वेट कंसिडरेशन है साहब 20,000 रुपये का, ये विद इन द 50,000 टॉलरेंस लिमिट में आता है 56(2)(10) के। आई होप आप सारे बच्चे ये बात समझ गए। ठीक है साहब, अच्छा, आगे आते हैं। तो सर फिर कुछ MCQs देख लेते हैं पहले। अच्छा, व्हाट इज द टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ लॉस? लॉस, अच्छा हाँ, लॉस आया था, ध्यान दीजिएगा, लॉस आया था।
मिस्टर हरी ने साहब 490 का वीडीए सेल कर दिया था, जिसके इनकी जो कॉस्ट थी, ध्यान दीजिएगा, मिस्टर हरी ने 490 का वीडीए सेल कर दिया जबकि इन्होंने इसको परचेज किया था 520 में। तो इसका मतलब मिस्टर हरी के लिए वीडियो को सेल करने में 30,000 रुपए का लॉस था। तो एमसीक्यू कह रहा है आपसे कि व्हाट इज द टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ लॉस फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ वीडीए बाय मिस्टर हरी। सर कोई टैक्स ट्रीटमेंट नहीं है, ये डेड लॉस है, क्योंकि सेक्शन 115(WBH) कहता है कि हम वीडियो को ना ग्रॉस बेसिस पे टैक्स, ग्रॉस बेसिस इन द सेंस कि हम सिर्फ और सिर्फ आपको वहां पे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन अलाउ करेंगे, बाकी हम कुछ नहीं अलाउ करेंगे। हाँ, अगर लॉस हो गया तो कुछ नहीं, ना कुछ आपका ना कुछ हमारा, मतलब हम मीनिंग हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए और आप इस लॉस को आप सेट ऑफ वगैरह भी नहीं कर सकते। तो देखेंगे, इट इज अ लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस। आप लॉन्ग टर्म की तो बात ही नहीं आ रही वीडियो के लिए, तो लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। ठीक है, अच्छा, इट इज अ शॉर्ट टर्म, अच्छा ये भी नहीं होगा। सच लॉस कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट एनी अदर इनकम बट कैन बी कैरीड फॉरवर्ड। साहब ना तो ये आप उसको सेम प्रीवियस ईयर में सेट ऑफ कर सकते हैं, ना आप इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, कुछ नहीं। अच्छा, सच लॉस कैन नीदर बी सेट ऑफ इन अगेंस्ट एनी अदर सोर्स ऑफ इनकम नॉर इट कैन बी कैरिड फॉरवर्ड। ठीक बात है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, डी। आगे आते हैं, व्हाट इज द इनकम इंक्लूडेड इन द टोटल इनकम ऑफ मिस्टर राजेश। तो चलिए फिर हम मिस्टर राजेश की बात कर लेते हैं। अच्छा, मिस्टर राजेश के बारे में एक बात इन्होंने हमें बताई थी कि साहब इनको ना 525 का ना बिजनेस का लॉस हो गया था। मिस्टर राजेश के बारे में हमें एक बात पता है कि इनको 525 का बिजनेस का लॉस हो गया था। मिस्टर राजेश के बारे में हमें और कोई बात नहीं पता, तो मेरे साथ साथ सारे बच्चे देखेंगे साहब। अच्छा, तो ये मिस्टर राजेश, अच्छा तो ये साहब ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है यहाँ पे कि मिस्टर राजेश के केस में ना लैंड बिल्डिंग का कोई इशू नहीं है, इनके केस में सिर्फ वीडीए की बात आती है। चले तो देखेंगे, वीडीए में इन्होंने वीडीए को खरीदा था 250 का और इन्होंने वीडीए को सेल कर दिया 350 का, और इस पे एक्सपेंस है 1,000 रुपए का। जैसे कि हमने आपको बताया कि सेक्शन 115(WBH) कहता है कि आपको वीडीए में हम सिर्फ और सिर्फ उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन अलाउ करेंगे, बाकी आपने कोई भी खर्चा वगैरह कर दिया, कुछ भी कर दिया, हम आपको कुछ नहीं देंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे आपके वीडियो की कितनी इनकम लायबल टू टैक्स हो जाएगी, 1,00,000 रुपए, क्योंकि आपके जो 1,000 रुपए का जो एक्सपेंस है वो अलाउड नहीं है। बट सर वीडियो पर, सर एक बात बताओ ना, कैपिटल गेन को कंप्यूट करते समय तो आपको एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर अलाउड होते हैं। हाँ डियर, बिल्कुल सही बात है, कैपिटल गेन को कंप्यूट करते समय आपको एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर अलाउड होते हैं, इसलिए आप इस चीज को देखें कि वीडीए के लिए लॉ मेकर ने एक ऑल्टरनेट रिजीम बना दिया सेक्शन 115(WBH) से। इन्होंने वीडीए में ये नहीं कहा कि वीडीए में इन्होंने सेक्शन 214 को अमेंड कर दिया और वहां पे कैपिटल एसेट में वीडीए को भी डाल दिया। तो जैसे आप नॉर्मल एसेट्स के लिए कैपिटल गेन कंप्यूट करते हैं, वैसे आप वीडीए के लिए भी करते हैं, ऐसा नहीं हुआ। इन्होंने वीडीए के लिए एक एक्सक्लूसिव सेक्शन इंट्रोड्यूस कर दिया 115(WBH) के नाम से, जहां पे इन्होंने क्लियरली मेंशन कर दिया कि साहब वीडीए में आपको सिर्फ और सिर्फ हम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन अलाउ करेंगे, बाकी कुछ भी अलाउ नहीं करेंगे। ठीक है, अच्छा, तो मिस्टर राजेश के लिए साहब वीडियो को सेल करके इनकम कितनी आ रही है, 1,00,000 रुपए, शायद यही आपका एमसीक्यू था। व्हाट इज द इनकम इंक्लूडेड वाल इन द टोटल इनकम ऑफ मिस्टर राजेश ऑन अकाउंट ऑफ ट्रांसफर ऑफ वीडीए। सर 1,00,000 रुपए, इसका ऑप्शन हो गया बी, क्योंकि साहब 1,000 रुपए का आपको डिडक्शन वहां पे अलाउ नहीं होगा। अच्छा, व्हाट इज अमाउंट ऑफ टैक्स डिडक्टेबल माय मिस्टर गणेश एंड मिस्टर वलीश, आई होप मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ, अंडर सेक्शन 194S, इसकी बात करते हैं, पहले थोड़ा सा आगे आते हैं। अच्छा, तो मेरे साथ साथ देखेंगे कि मिस्टर राजेश ने साहब यहाँ पे ना अपना वीडियो सेल कर दिया 350 का, जिसको इन्होंने 250 में खरीदा था। ठीक है, बट यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात, इन्होंने कहा कि जिस दिन मिस्टर राजेश ने ये वीडियो सेल किया उस दिन उसकी जो फेयर मार्केट वैल्यू थी वो 410 थी, उस दिन उसकी फेयर मार्केट वैल्यू 410 थी। उसका मतलब ये हुआ कि मिस्टर राजेश ने 410 के वीडियो को 350 का सेल कर दिया। हमने अभी आपके साथ थोड़ी देर पहले एक बहुत लंबी चौड़ी कहानी हमने आपको बताई थी, और हमने कहा था कि अगर जो सेलर है वो अगर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन में भी वीडियो को सेल कर देता है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक बात है, क्योंकि सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से फिलहाल वीडीए को कंसिडर करने के लिए हम वीडीए का फेयर मार्केट वैल्यू फिलहाल कंसिडर नहीं करते, जो कि कुछ स्पेसिफाइड एसेट्स के लिए हम कंसिडर करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर सेलर ने लेट्स से कि अगर अपना लैंड या बिल्डिंग सेल किया होता तो साहब यहाँ पे सेक्शन 50 सी आ गया होता, या फिर साहब यहाँ पे सेक्शन 43C आ गया होता। आर यू गाइस गेटिंग? तो फिलहाल ये जो है सर जी, ये वीडीए के लिए नहीं है, इसलिए यहाँ पे वीडीए के लिए फिलहाल सेलर ने जो प्राइस शो किया है वही हमें कंसिडर करना पड़ेगा फॉर इनकम टैक्स पर्पसेस। ठीक बात है। हाँ, अगर ये केस लेट से स्क्रूटनी में फंस गया, उसके बाद अगर वहां पे असेसिंग ऑफिसर को लगता है कि यार इन्होंने तो बहुत ज्यादा मैनिपुलेशन कर ली, फिर वहां पे जो मतलब सेलर जो है, फिर हो सकता है कि वहां पे उसका कुछ हो सके, या अगर लेट से कि
या फिर मान लीजिए कि अगर कोई अगर ये केस अगर अगर मतलब एस्केप्ड इनकम का बन जाता है ऐसा, तो ये सारी बातें आपने ठीक। अच्छा, तो यहां पे मिस्टर राजेश ने 3.50 में अपना वीडीएसएल कर दिया जिसकी मार्केट वैल्यू 4.10 थी। तो सेलर क्या ट्रांसफर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो कुछ नहीं है, बट साहब रिसिपिएंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इशू बन सकता है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे वीडियो को परचेज किसने किया, मिस्टर वेलिश ने, जो कि इंगेज इन द बिजनेस ऑफ ट्रेडिंग ऑफ फर्नीचर। तो इसका मतलब मिस्टर वेलिश के लिए ये वीडियो क्या है, कैपिटल एसेट। तो साहब क्या यहाँ पे 56.210 अट्रैक्ट हो सकता है? हाँ, क्योंकि यहाँ पे मिस्टर वेलिश ने एक कैपिटल एसेट या प्रॉपर्टी 4.10 की 3.50 में खरीद ली। मतलब इन एडिक्वेट कंसिडरेशन कितना है, 60,000 रुपए। तो क्या ये 56.210 के या क्या ये सेक्शन 56.210 के टॉलरेंस को क्रॉस कर गया? हाँ सर, 56.210 कितना टॉलरेंस लेता है, 50,000 रुपए, उसके ऊपर नहीं। तो साहब जैसे आपके ये इन एडिक्वेट कंसिडरेशन 60 का हुआ, टॉलरेंस हट गया, और ये पूरा का पूरा 60 मिस्टर वेलिश के लिए क्या बन जाएगा, इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेस। और ध्यान दीजिएगा यहाँ पे साहब, जैसे कि डियर हम आपको फिर कह रहे हैं कि आप जरूर से मई 23 के RTP में इंस्टीट्यूट ने अमेंडमेंट क्यों की, उस वीडियो को जरूर से देखें, क्योंकि यही वो पॉइंट है जहां इंस्टीट्यूट ने अमेंडमेंट की थी। ठीक बात। अच्छा, और हाँ एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात तो रह गई, क्या ध्यान दीजिएगा, जो वीडियो होता है डियर, तो जो बायर ऑफ द वीडियो होता है, जिसको सेलर को कंसिडरेशन पे करना पड़ता है, उस बायर को उस कंसिडरेशन को पे करते समय 1% का TDS करना पड़ता है ऑफ द अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन। मतलब जो वो कंसिडरेशन पे कर रहा है उसका 1% का TDS करना पड़ेगा सेक्शन 194S में। ठीक बात है। बायर यदि स्पेसिफाइड पर्सन है, उस केस में उसको TDS नहीं करना। स्पेसिफाइड पर्सन के बारे में डर बहुत सारी बातें हैं, उसमें हम आपको सिर्फ और सिर्फ आपके लिए एक स्केप रूट बताना चाहते हैं, बट स्टिल अगर आप थोड़ा सा हमारे साथ पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लें डियर, अगर आप थोड़ा सा देखना चाहते हैं तो देख लें। अच्छा, अगर आप थोड़ा सा देखना चाहते हैं तो देख लें 194S का TDS ऑन द ट्रांसफर ऑफ वीडियो, देखेंगे सारे बच्चे देखेंगे। TDS ऑन पेमेंट और ऑन ट्रांसफर ऑफ वीडीए इफेक्टिव फ्रॉम 1/7/2022। तो ये हमारे मिस्टर ए हैं जो कि वीडीए के लिए पेमेंट कर रहे हैं मिस्टर बी को। मिस्टर ए को TDS नहीं करना यदि मिस्टर ए एक स्पेसिफाइड पर्सन है, बट सब स्पेसिफाइड पर्सन के लिए जो ईयरली पेमेंट का जो मतलब थ्रेशोल्ड है वो 50,000 रुपए। ठीक है। और अगर मिस्टर एक नॉन स्पेसिफाइड पर्सन है साहब, तो इनके लिए जो ईयरली पेमेंट का थ्रेशोल्ड है वो सिर्फ 10,000 रुपए। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर बायर 50,000 या 10,000 से ज्यादा पे कर रहा है, उस केस में कोई स्पेसिफाइड और नॉन स्पेसिफाइड पर्सन की यहाँ पे काउंटिंग नहीं होगी, हर केस में TDS करना पड़ेगा 194S में। और यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर मिस्टर हरि ने अपना वीडीए मिस्टर मतलब गणेश को जो सेल किया था, उसके लिए मिस्टर गणेश ने मिस्टर हरि को कितनी पेमेंट की थी, 4.90, क्योंकि यहाँ पे मिस्टर गणेश ने मिस्टर हरी से वीडियो कितने में खरीदा था, 4.90। तो क्या ये 4.90 क्या 50,000 के टॉलरेंस, क्या ये 50,000 के ईयरली पेमेंट थ्रेशोल्ड से क्या ऊपर चला गया? हाँ सर। तो क्या यहाँ पे मिस्टर गणेश को मिस्टर हरी को पेमेंट करते समय क्या TDS करना पड़ेगा? हाँ सर, 1% के रेट से। मतलब मिस्टर हरी को जब मिस्टर गणेश पेमेंट करेंगे तो 4,900 रुपए का यहाँ पे इनको TDS करना पड़ेगा 194 इसके हिसाब से। ठीक बात। इसी तरीके से मिस्टर वेलिश जो है, जब वो मिस्टर राजेश को पेमेंट करेंगे 3.50 का, तो क्या अगेन इनको यहाँ पे TDS करना पड़ेगा? हाँ सर, 1% के रेट से, मतलब 3,500 रुपए का TDS करना पड़ेगा। ठीक है। अगेन डियर, ये सारी बातें हमने आपको यहाँ एनालिसिस में लिख के दी हुई हैं, सब ने फोटो वोटो सब यहाँ पे आपको बना के दी हुई है, तो आपको अलग से यहाँ पे परेशान नहीं होना, एवरीथिंग इज रिटन ओवर हियर। ठीक है सर। अच्छा, आगे आते हैं तो देखेंगे व्हाट इज द अमाउंट ऑफ टैक्स डिडक्टेबल बाय मिस्टर राजेश, बाय मिस्टर गणेश एंड मिस्टर वेलिश। तो मिस्टर गणेश जो है वो मिस्टर हरि को 4.90 पे कर रहे हैं, तो साहब 4.90 का मतलब 1%, मतलब 4,900 रुपए का TDS। अच्छा, तो ये 4,900 रुपए का TDS करेंगे, और मिस्टर वलिश जो है वो मिस्टर राजेश को साहब 3.50 पे कर रहे हैं, मतलब 3,500 रुपए का TDS करेंगे। देखेंगे तो साहब ये बिल्कुल सही, यहाँ पे ऑप्शन डी बिल्कुल हम कह सकते हैं कि इसकी वर्डिंग बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने क्या कहा हुआ है, सिंस द सेम इज इन एक्सेस ऑफ द प्रिस्क्राइब थ्रेशोल्ड लिमिट। और साहब वो प्रिस्क्राइब थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है, 50,000 रुपए और 10,000 रुपए, क्योंकि हमने आपको यहाँ पे दिखाया है कि यहाँ पे जो प्रिस्क्राइब थ्रेशोल्ड है, अगर बच्चे अगर देख पा रहे हैं तो देखेंगे डियर, अगर यहाँ पे आप इसको देख पा रहे हैं, ईयरली पेमेंट थ्रेशोल्ड 50,000 रुपए और ईयरली पेमेंट थ्रेशोल्ड 10,000 रुपीज। तो साहब चूंकि इसे एक्सीड कर गया, इसलिए यहाँ पे आपको TDS करना पड़ेगा इन एनी केस। ठीक है साहब। अच्छा, तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, डी।
आगे आते हैं, व्हाट इज द इनकम इंक्लूडेबल इन द टोटल इनकम ऑफ मिस्टर गणेश एंड मिस्टर वेलेश ऑन रिसिप्ट ऑफ वीडियो फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन। तो साहब मिस्टर गणेश ने 4.90 में वीडियो खरीद लिया जिसकी एफएमवी कितनी थी, 5.10। मिस्टर गणेश ने 4.90 में वीडियो खरीद लिया जिसकी एफएमवी कितनी थी, 5.10। और ये जो वीडियो है वो मिस्टर गणेश के हैंड में क्या कॉन्स्टिट्यूट करती है, सर कैपिटल एसेट, क्योंकि मिस्टर गणेश जो है साहब वो फूड ग्रीन की ट्रेडिंग में एंगेज्ड है। बट भले ये कैपिटल एसेट कॉन्स्टिट्यूट करती है, बट साहब ये जो यहाँ पे इनएडिक्वेट कंसिडरेशन कितनी है, 20,000 रुपये, जो कि आपके 56.210 के टॉलरेंस लिमिट के विदिन है। इसलिए मिस्टर गणेश के लिए 56.210 ट्रिगर नहीं होगा, और ट्रिगर नहीं होगा तो इनके किसी भी तरीके से अदर सोर्सेज की इनकम नहीं बनेगी। आई होप आपको ये बात समझ में आई। बट हाँ, मिस्टर वेलिश के केस में साहब मामला दूसरा है, क्योंकि यहाँ पे जो टॉलरेंस लिमिट क्रॉस कर गई, क्योंकि यहाँ पे जो इनएडिक्वेट कंसिडरेशन है ये 60,000 रुपये का है। ध्यान दीजिएगा, वीडियो मार्केट में कितने का था, 4.10 का। मिस्टर राजेश ने कितने का सेल कर दिया, 3.50 का। तो यहाँ पे इनएडिक्वेट कंसिडरेशन कितना बनता है, 60,000 रुपये, जो कि साहब टॉलरेंस को क्रॉस कर गया। तो मिस्टर गणेश के लिए 56.210 इन्वोक नहीं हुआ, इसका मतलब निल, बट मिस्टर वेलिश के लिए इन्वोक हो गया, और पूरा 60,000 रुपए का इनएडिक्वेट कंसिडरेशन मिस्टर वेलिश के लिए अदर सोर्सेस की इनकम बन गया। अच्छा, तो मिस्टर गणेश के लिए तो साहब निल, हाँ, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया डी, निल एंड 60,000 रिस्पेक्टिवली। चलिए आगे आते हैं, व्हाट इज द टोटल इनकम ऑफ मिस्टर हरि। तो ध्यान दीजिएगा डियर, मिस्टर हरि की इनकम, तो ध्यान दीजिए, मैंने यहाँ पे आपके साथ ये एनालिसिस यहाँ पे किया हुआ है, सब कुछ याद करें। मिस्टर हरि की साहब एक सैलरी इनकम थी, तो मिस्टर हरि की सैलरी इनकम कितनी थी, 1750। तो मिस्टर हरि की सैलरी इनकम 1750 हो गई, इस पर ऑलरेडी आपने स्टैंडर्ड डिडक्शन क्लेम किया हुआ है। अच्छा, मिस्टर हरि ने ना एक लैंड एंड बिल्डिंग ट्रांसफर की थी, जो कि 2 साल से इन्होंने कम रखी थी। इन्होंने साहब उसको सेल किया था शायद 30 लाख रुपये का, 20 का खरीदा था, और 1 लाख रुपये का एक्सपेंस था। इसका मतलब 9 लाख रुपये शॉर्ट टर्म कैप गेन हो गई। अच्छा, मिस्टर हरि ने ना वीडियो सेल की थी, बट साहब उसको सेल करके लॉस आया था, तो वो लॉस आपका किसी काम का नहीं है, इसलिए वो लॉस आपको हमने क्या कंसिडर कर लिया, निल। अदर सोर्सेस में साहब मिस्टर हरि की ना डिविडेंड इनकम थी 10 लाख रुपए की, जिस पे उन्होंने 4 लाख रुपए का इंटरेस्ट पे किया था, बट वो इंटरेस्ट आपका मैक्सिमम 20%, मतलब 2 लाख रुपए अलाउड होगा, तो 8 लाख रुपए आपकी डिविडेंड इनकम हो गई। अच्छा, और अगर किसी को याद आ रहा हो तो मिस्टर हरि ने को जो है डियर वो सेविंग्स अकाउंट से इंटरेस्ट मिला था 22,000 रुपए का, ठीक है। मिस्टर हरि ने 1.50 PPF में जमा किया था, और सेविंग्स का इंटरेस्ट मिलने की वजह से इनको 80 TTA मिल जाएगा 10,000 रुपए का। सर इन्होंने तो ATR ऑप्ट नहीं किया, इसलिए इनको 80 CB मिल जाएगा और 80 TTA भी मिल जाएगा। अगर इन्होंने ATR अगर ऑप्ट किया होता तो ये दोनों यहाँ पे नहीं मिलते। तो इसलिए मिस्टर हरि की जो टोटल इनकम आती है वो आती है 33,12। तो फिर हमारा ऑप्शन क्या हो गया, 33,12, मतलब हम ऑप्शन नंबर डी, ठीक है सर। अच्छा, आगे आते हैं, व्हाट वुड बी द टैक्स पेएबल बाय मिस्टर राजेश। अच्छा, ध्यान दीजिएगा, व्हाट इज द टैक्स पेएबल बाय मिस्टर राजेश, व्हाट वुड बी द अमाउंट ऑफ बिजनेस लॉस इफ एनी टू बी कैरिड फॉरवर्ड अज्यूमिंग दैट ही हैज नॉट ऑप्टेड फॉर 115 BAC। ध्यान दीजिएगा डियर, मिस्टर राजेश के लिए मिस्टर राजेश की जो इनकम थी वो कोई बहुत ज्यादा नहीं थी, इनकी FD की इनकम थी 50,000 रुपए, इनका बिजनेस का लॉस था 5.25 का। ध्यान दीजिएगा, इनका जो बिजनेस का लॉस था 5.25 का, वो बिजनेस लॉस आप किसी भी और इनकम से सेट ऑफ कर सकते हैं एक्सेप्ट सैलरी और एक्सेप्ट VDA। तो आपकी जो FD की इनकम जो है 50,000 रुपए, वो तो आपके बिजनेस लॉस को सेट ऑफ कर देगी, तो आप जो अपना बिजनेस लॉस कैरी फॉरवर्ड करेंगे वो करेंगे 4.75, ठीक है। बट साहब जो 1 लाख रुपए का आपका जो VDA है, 1 लाख रुपए का आपका जो VDA है, उस VDA में आपको फ्लैट 30% के रेट से टैक्स देना पड़ेगा। मतलब ये हुआ साहब 30%, मतलब 30,000 प्लस 4%, मतलब ये हुआ 31,12, मतलब 31,200। अच्छा, पर सर आप एक बात भूल गए, मैंने कहा क्या, जब मिस्टर वेलिश जो मिस्टर राजेश को पेमेंट कर रहे थे VDA के ट्रांसफर की 3.50, उन्होंने वहां पे 1% का TDS भी तो कर लिया था। इसका मतलब 3500 रुपये ऑलरेडी इनका TDS के फॉर्म में कट गया। तो मिस्टर हरि के लिए अब टैक्स पेबल कितना है साहब, 27,700, और अकॉर्डिंगली इनको जो है वो 4.75 का ही अपना बिजनेस लॉस कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो ये सारी बातें डियर हमने आपको बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करके यहाँ पे नोट्स में दी हुई है, तो आप जरूर से नोट्स को डाउनलोड करें। तो अगर आप देखना चाहेंगे मिस्टर राजेश का, तो ट्रेडिंग बिजनेस का लॉस है 5.25, पड़ी FD से एडजस्ट हो गया, तो ये जो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा 4.75, VDA में साहब 1 लाख रुपए, और ग्रॉस टोटल इनकम 1 लाख, और अकॉर्डिंगली इनकी जो लाइबिलिटी बनती है वो बनती है 27,700। हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, अच्छा टैक्स पेएबल 27,700, तो टैक्स पेएबल 27,700, बिजनेस लॉस 4.75, हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया सी, ठीक है। जल्दी से आगे आते हैं डियर, केस सिनेरियो 2, हेल्पेज इज अ चैरिटेबल ट्रस्ट रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12AB विद द मेन ऑब्जेक्टिव फॉलिंग अंडर द रेसिडरी क्लॉज एनी अदर ऑब्जेक्ट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी। सारे बच्चे बताएंगे, अगर हमारा ऑब्जेक्टिव फॉल करता है एनी अदर ऑब्जेक्ट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी, तो उसमें खास बात क्या है। इसमें डियर एक खास बात है कि अगर आप कोई बिजनेस करते हैं तो
अगर आप सेक्शन 11 और 12 का डिडक्शन क्लेम करना चाहते हैं तो उस बिजनेस से जो रिसिप्ट होगी वो आपके मैक्सिमम 20% ऑफ द टोटल रिसिप्ट होगी। और हाँ, ये बात तो सबको ही बताया डियर कि अगर आपका ऑब्जेक्टिव कुछ भी हो, आपको अपने बुक्स अकाउंट्स वगैरह मेंटेन करने पड़ेंगे और जो आप बिजनेस कैरी कर रहे हैं वो आपके मेन ऑब्जेक्टिव के लिए ही होने चाहिए। ये तो खैर दोनों, ये जो दो एक्स्ट्रा जो दो जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं वो तो हर किसी के लिए हैं। एनी अदर ऑब्जेक्ट और जनरल पब्लिक मतलब यूटिलिटी के लिए एक स्पेसिफिक पॉइंट लग जाता है, और वो पॉइंट क्या है कि आपका जो बिजनेस से जो आपका जो मतलब रिसिप्ट होगा वो आपके टोटल रिसिप्ट का मैक्सिमम 20% हो सकता है। ठीक है, अच्छा, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 22-23 इट रिसीव्ड 80 लाख रुपीज एज वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन। तो साहब ये 80 लाख रुपीज आपने वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन की तरह से रिसीव किया, आपको इसका एप्लीकेशन करना पड़ेगा कम से कम 85%। अगर आप 85% अप्लाई नहीं कर पाते तो फिर आपको असेसिंग ऑफिसर के लिए के पास जाना पड़ेगा और इसके एप्लीकेशन के पीरियड को एक्सटेंड कराना पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं करते डियर तो उतने पोर्शन का आपको 11-12 का डिडक्शन ही मिलेगा, और वो तो छोड़ दें, आपके ऊपर साहब 115BII की इनकम बन जाएगी। ठीक बात है, अच्छा, द ट्रस्ट बोरोड 40 लाख ऑन 1/7/2022 फ्रॉम इंडियन बैंक टू परचेज लैंड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ एन ऑफिस बिल्डिंग फ्रॉम वेयर इट कैन कैरी आउट इट्स फंक्शंस। तो इनको एक ऑफिस बिल्डिंग बनानी है जिसके लिए उन्होंने लैंड परचेज किया, और उस लैंड को परचेज करने के लिए उन्होंने 40 लाख रुपए का लोन लिया। डियर फ्रेंड्स, बहुत ध्यान से, अगर आप लोन लेके अप्लाई करते हैं पैसा, तो डियर इसके पिछले के पिछले साल एक्ट अमेंड हुआ था और जिसमें यह कह दिया गया था कि अगर आप लोन लेके एप्लीकेशन करते हैं तो जिस प्रीवियस ईयर में आपने उस लोन को रिपे किया, जितना रिपे किया उतना उस प्रीवियस ईयर में एप्लीकेशन की तरह से काउंट होगा। सर इजी, पहले तो हम आपको ये कहना चाहते हैं डियर कि अगर आपको एप्लीकेशन करना है चैरिटेबल ट्रस्ट के पर्पसेस के लिए, तो डियर वो एप्लीकेशन आपका रेवेन्यू नेचर का भी एक्सपेंडिचर हो सकता है और कैपिटल नेचर का भी एक्सपेंडिचर हो सकता है। मतलब एप्लीकेशन के लिए आपको दोनों रेवेन्यू और कैपिटल दोनों तरीके के एक्सपेंडिचर को काउंट किया जाता है। ये बात आपको पता है। ठीक है, अच्छा, लोन लेके अगर मैंने लोन लेके कोई अमाउंट अपने ऑब्जेक्ट्स के लिए अप्लाई किया, तो 2 साल पहले एक्ट अमेंड हुआ था जिसमें ये कहा गया था कि आपने जितना पैसा लोन का रीपे किया, जिस प्रीवियस ईयर में रीपे किया, उतना आपको उस प्रीवियस ईयर में एप्लीकेशन की तरह से काउंट मान लिया जाएगा। सर क्या कहना चाहते हो, लेट्स से कि हमने साहब 100 लाख रुपीज का ना अपना ऑफिस बनवाया, ठीक है, ताकि हम अपना ऑब्जेक्टिव कैरी कर सकें। इस 100 लाख में से लेट्स से कि हमने ना 50 लाख रुपए लोन लिया था और 50 लाख रुपए हमारा ना वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन था, ठीक है, तो इस करंट ईयर के लिए मेरी जो एप्लीकेशन होगी वो सिर्फ और सिर्फ 50 लाख होगी, क्योंकि मैंने जो 50 लाख का लोन लिया था वो एप्लीकेशन का पार्ट नहीं बनेगा। सर अगले साल ना मैंने इस 50 लाख के लोन में से 10 लाख रुपए रिपे कर दिया, तो अगले साल 10 लाख रुपए मेरा एप्लीकेशन बन जाएगा, क्योंकि आपने लोन को रिपे कर दिया। पहले क्या होता था कि आपने लोन लेके पैसा लगा दिया, वो आपके एप्लीकेशन का पार्ट बन जाता था। अब आप जब उस लोन को रिपे करेंगे, जितना रिपे करेंगे, जब रिपे करेंगे, उतना आपके एप्लीकेशन का पार्ट बन जाएगा। ठीक है, अच्छा, थोड़ा सा आगे आते हैं साहब, चले, तो द ट्रस्ट ऑल्सो बोरोड 40 लाख रुपए ऑन 1/7/2022 फ्रॉम इंडियन बैंक टू परचेज लैंड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ एन ऑफिस बिल्डिंग फ्रॉम वेयर इट कैन कैरी आउट इट्स फंक्शंस। चले साहब देखेंगे, द ट्रस्ट रिपेड प्रिंसिपल ऑफ 10 लाख। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि जो 40 लाख रुपए का लोन था, आपने इसके 10 लाख का प्रिंसिपल जो है ना वो आपने प्रीवियस ईयर 22-23 में रिपे कर दिया। तो सारे बच्चे बताएंगे, जो 40 लाख रुपए का आपने जो लोन लिया था इसमें से आपने 10 लाख रुपए रिपे कर दिया, तो साहब प्रीवियस ईयर 22-23 में डियर आपकी एप्लीकेशन कितनी काउंट होगी, 10 लाख रुपए। मतलब ये हुआ कि 40 लाख के लोन में से सिर्फ 10 लाख रुपए आपका एप्लीकेशन काउंट होगा। ठीक है, अच्छा, द ट्रस्ट इनकर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑफ 17 लाख एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ 60 लाख टुवर्ड्स परचेज ऑफ लैंड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ एन ऑफिस बिल्डिंग ड्यूरिंग 22-23। ध्यान दीजिएगा, आपने साहब 17 लाख रुपए का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इनकर किया और 60 लाख रुपए का आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर किया अपने ऑफिस बिल्डिंग के लिए, और उस 60 लाख रुपए का जो आपने एक्सपेंडिचर किया इसमें से 40 लाख रुपए आपने लोन वाले लगा दिए, क्योंकि यहां पे लिखा हुआ है कि द ट्रस्ट बोरोड 40 लाख फ्रॉम इंडियन बैंक टू परचेज लैंड और कंस्ट्रक्शन ऑफ एन ऑफिस बिल्डिंग। तो डियर बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनेंगे सारे बच्चे, हमने कहा कि हमने 60 लाख रुपए का रेवेन्यू एक्सपेंड हमने 60 लाख रुपए का कैपिटल एक्सपेंडिचर किया फॉर द पर्पस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ एन ऑफिस बिल्डिंग। ठीक है, इसमें से जो 40 लाख रुपए हैं डियर वो लोन वाले हैं, तो इस और तो फिर 20 लाख रुपए अदर है। ये जो 40 लाख रुपए जो लोन वाला है जो है, क्या मैं उसको एप्लीकेशन का पार्ट मान लूं? नहीं, तो सर मैं कितना उसको एप्लीकेशन का पार्ट मानूंगा? जितना आपने रिपे किया
इन दैट प्रीवियस ईयर, मतलब प्रीवियस ईयर 22-23 में, और प्रीवियस ईयर 22-23 में आपने कितना रिपे किया, द ट्रस्ट रिपेड प्रिंसिपल ऑफ 10 लाख रुपीज। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस 60 लाख में जो 40 लाख रुपए आपने लोन से फाइनेंस किया है, इसमें से सिर्फ मैं 10 लाख रुपए आपकी एप्लीकेशन काउंट करूंगा प्रीवियस ईयर 22-23 के लिए। आई होप सबको ये बात समझ में आ रही है, ठीक है सर। अच्छा आगे आते हैं, आउट ऑफ द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑफ 17 लाख, 15 लाख वाज पेड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2022-23 से। तो साहब अगेन मैंने जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि एमसीक्यूज इंस्टीट्यूट ने डियर बहुत अच्छे से बनाए हुए हैं। डियर फ्रेंड्स, असेसमेंट ईयर 22-23 या प्रीवियस ईयर 21-22 से एक अमेंडमेंट आई थी ट्रस्ट में, जिसमें कह दिया गया था कि ट्रस्ट को जो एप्लीकेशन अलाउड होगा वो एक्चुअल पेमेंट बेसिस पे अलाउड होगा। ठीक बात है, मतलब प्रीवियस ईयर 21-22 से जो ट्रस्ट को जो एप्लीकेशन अलाउड होगा वो एक्चुअल पेमेंट बेसिस पे अलाउड होगा। होता क्या था कि ट्रस्ट जो है ना वो एक्यूरल बेसिस पे या ड्यू बेसिस पे अपना एक्सपेंडिचर क्लेम कर लेती थी और सही में वो अमाउंट को इनकर नहीं करती थी। तो फिर एक्ट को अमेंड किया गया और वहां पे डाल दिया गया कि आपको जो एप्लीकेशन अलाउड होगा वो साहब आपको एक्चुअल पेमेंट बेसिस पे अलाउड होगा। तो जैसा कि मैं यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रीवियस ईयर 22-23 में ट्रस्ट ने 17 लाख रुपए का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्लेम किया, बट इसमें सिर्फ और सिर्फ 15 लाख रुपए प्रीवियस ईयर 22-23 में इन्होंने एक्चुअली पे किया। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्रीवियस ईयर 22-23 में कितना अलाउड होगा, सिर्फ और सिर्फ 15 लाख रुपए एप्लीकेशन की तरह से काउंट होगा। आई होप ये बात आपको समझ में आई, ठीक है सर। अच्छा, और हाँ यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग बात लिखी हुई है कि जो 2 लाख रुपए में से जो 1 लाख रुपए है इसको आपने अप्रैल 23 में पे किया, मतलब ये एप्लीकेशन काउंट होगा प्रीवियस ईयर 23-24 में, और 1 लाख रुपए आपने जनवरी 24 में पे किया, मतलब ये एप्लीकेशन की तरह से काउंट होगा 23-24 में तो होगा ना, जनवरी 24 में तो 23-24 का ही पार्ट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 17 लाख रुपए आपने जो पे किया इसमें से 15 लाख रुपए का जो एप्लीकेशन है ये आपके प्रीवियस ईयर 22-23 में काउंट होगा, बट ये जो 2 लाख रुपए है डियर ये आपके प्रीवियस ईयर 23-24 में काउंट होगा, क्योंकि आपने 2 लाख रुपए 23-24 में पे किया। ठीक बात है, पहले क्या होता था कि आप पूरा का पूरा 17 लाख रुपए प्रीवियस ईयर 22-23 में ले लेते थे, बट विद इफेक्ट फ्रॉम प्रीवियस ईयर 21-22 ये अमेंड हो गया था, जिसमें एक्चुअल पेमेंट बेसिस पे यहाँ पे इसका ये कंडीशन डाल दिया गया था। ठीक, अच्छा चले फिर आगे क्या लिखा हुआ। अच्छा, कहते साहब ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 22-23, मतलब 22-23 में ही द ट्रस्ट ऑल्सो पेड रुपीज 3 लाख टुवर्ड्स रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इनकर्ड ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 21-22। ध्यान दीजिएगा, और ये अमेंडमेंट कब से आई थी, 21-22 से। तो उन्होंने कहा कि साहब 21-22 का भी 3 लाख रुपए था जो कि हमने प्रीवियस ईयर 22-23 में पे किया। तो इसका मतलब 21-22 को जो आपने 3 लाख रुपए अपने पास शो किया होगा, एक्चुअल तो पे नहीं किया होगा, तो हमने आपको 21-22 में इसका एप्लीकेशन नहीं दिया, हमने चूंकि आपने इसको 22-23 में पे किया तो इसका 3 लाख रुपए का एप्लीकेशन भी आपको प्रीवियस ईयर 22-23 में मिलेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रीवियस ईयर 22-23 में जो एप्लीकेशन आपको अलाउड होगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के नाम का, वो आपको क्या क्या अलाउड होगा, एक तो वो अमाउंट जो आपने सही में प्रीवियस ईयर 22-23 से बिलोंग करता है, मतलब 22-23 से बिलोंग करने वाला मतलब साहब 15 लाख रुपए, और 21-22 से बिलोंग करने वाला 3 लाख रुपए। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि 21-22 को आपने एक्चुअली पे नहीं किया, आपने इसको डेफर कर दिया और आपने इसको पे किया था प्रीवियस ईयर 22-23। आई होप सबको भाई बात समझ में आ गई। अच्छा, इसके बाद आपने क्या किया साहब, इसके बाद आपने ना 1 लाख रुपए और पे किया, नहीं यहाँ पे लिखा हुआ है, अच्छा एंड 1 लाख टुवर्ड्स रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इनकर्ड ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 20-21। डियर फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, प्रीवियस ईयर 20-21 में ऐसा कोई कंडीशन नहीं था, प्रीवियस ईयर 21 में आप ड्यू बेसिस के बेसिस पे, मतलब आप ड्यू बेसिस पे अपना एप्लीकेशन क्लेम कर लेते थे, तो ये 1 लाख रुपए आपको ऑलरेडी प्रीवियस ईयर 20-21 में अलाउ हो गया होगा, अब ये आपको यहाँ पे अलाउड नहीं होगा। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपने कुल मिला के 18 लाख रुपए इनकर किया, मतलब 18 लाख रुपए का आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का एप्लीकेशन काउंट होगा। ठीक है, अच्छा आगे आते हैं, डेट ट्रस्ट ऑल्सो रिसीव 30 लाख रुपीज बाय वे ऑफ कॉर्पस डोनेशन। ध्यान दीजिएगा डियर, कॉर्पस डोनेशन जो आप रिसीव करते हैं वो आपका एग्जम्प्ट हो जाता है, मीन्स आपको उसका एप्लीकेशन वगैरह नहीं करना पड़ता, प्रोवाइडेड कि आप उसको सेक्शन 11(5) में जो इन्वेस्टमेंट का मोड है उसमें से किसी एक मोड में इन्वेस्ट कर देते हैं। ठीक है सर, अच्छा इसमें यह कहा गया कि साहब आउट ऑफ विच इट डिपॉजिटेड 25 लाख इन पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक अकाउंट। तो साहब पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक अकाउंट इज वन ऑफ द अलाउड मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट रेफर्ड इन सेक्शन 11(5). तो इसका मतलब ये हुआ कि 30 लाख में से 25 लाख रुपए तो आपका एग्जम्प्ट हो गया, 5 लाख रुपए आपका जो है उस पर आपको एप्लीकेशन करना पड़ेगा, अदरवाइज आपकी इनकम बन जाएगा। ठीक है, अच्छा ये बहुत इंटरेस्टिंग है, द ट्रस्ट ऑल्सो विड्रॉन 5 लाख फ्रॉम पोस्ट ऑफिस अकाउंट एंड अप्लाइड टुवर्ड्स परचेज ऑफ लैंड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ध्यान दीजिएगा डियर, आपके साथ ना लैंड की बात कर रहे थे, हमने कहा कि लैंड के लिए पैसा कहाँ कहाँ से आया, लैंड के लिए आपने कुल मिला के 60 लाख रुपए लगाए थे, इस 60 लाख रुपए में से लैंड के लिए आपने जो आपने लैंड परचेज किया था उसके लिए आपने कुल मिला के 60 लाख रुपए लगाए थे। अच्छा
कि 60 लाख रुपए में से साहब 40 लाख रुपए तो वो लोन वाले थे, जिसमें से हमने कहा था कि इसमें से सिर्फ और सिर्फ 10 लाख रुपए अलाउड होगा, क्योंकि इतना ही आपने रिपे किया हुआ था। और जो रिमेनिंग 20 लाख रुपीज थे, ध्यान दीजिएगा, इसमें से जो 5 लाख रुपए हैं ये वो पैसा है जो कि आपको कॉर्पस डोनेशन के फॉर्म में मिला था। डियर, कॉर्पस डोनेशन के फॉर्म में जो पैसा मिला, जिसको आपने जो है 11-5 के मोड में इन्वेस्ट कर दिया, वो आपका एग्जेम्प्ट इनकम है। तो एग्जेम्प्ट इनकम से अगर आपने एप्लीकेशन किया तो वो एप्लीकेशन की तरह से काउंट नहीं होता। पर हाँ, अगर आपने जब ये पैसा 11-5 के डिपॉजिट से विड्रॉ किया, जिस प्रीवियस ईयर में आप ये पैसा दोबारा से 11-5 वाले उसी डिपॉजिट में जमा करा देंगे, या 11-5 के किसी भी मोड में जमा करा देंगे, हम उस प्रीवियस ईयर में 5 लाख रुपए काउंट कर लेंगे। तो इसका मतलब 5 लाख रुपए प्रीवियस ईयर 22-23 के लिए तो एप्लीकेशन नहीं है, क्योंकि 5 लाख रुपए को आपने 31-3-2023 तक दोबारा से जमा नहीं कराया। आई होप किसी को बात समझ आ रही है, ठीक है साहब। देखेंगे, द ट्रस्ट ऑल्सो विड्रॉन 5 लाख रुपीज फ्रॉम पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट एंड अप्लाइड टुवर्ड्स परचेज ऑफ लैंड, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने 5 लाख रुपए तो 31-3-2023 तक जमा नहीं कराया, मतलब 5 लाख का एप्लीकेशन नहीं मिलेगा। तो आपको एप्लीकेशन मिलेगा कितना, सिर्फ और सिर्फ 15 लाख रुपए का। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको लैंड के कॉन्टेक्स्ट में 15 लाख रुपए का एप्लीकेशन अदर से अलाउड है, और 10 लाख का एप्लीकेशन आपको लोन वाले पोर्शन से अलाउड है, मतलब आपको कुल मिला के 25 लाख रुपए का एप्लीकेशन अलाउड है, ठीक है। अच्छा, द ट्रस्ट ऑल्सो द ट्रस्ट हैज डोनेटेड टू एजुएड अनदर ट्रस्ट रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12AB विद द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ प्रोवाइडिंग एजुकेशन टू पुअर। तो साहब 12 लाख रुपए आपने मतलब डोनेट कर दिया आउट ऑफ इट्स करंट इनकम, ये ध्यान देने वाली बात है, करंट इनकम, और किस पर्पज के लिए डोनेट किया है, उनके डे टू डे पर्पसेस के लिए, क्योंकि यहाँ पे कॉर्पस डोनेशन नहीं लिखा हुआ। ध्यान दीजिएगा डियर, अगर एक ट्रस्ट दूसरे ट्रस्ट को पैसा डोनेट करती है, अगर वो उसके कॉर्पस डोनेशन के लिए होता है तो वो एप्लीकेशन का पार्ट नहीं होता। अगर एक ट्रस्ट किसी दूसरे ट्रस्ट को पैसा डोनेट करती है अदर देन कॉर्पस डोनेशन, बट अगर वो अपने एक्यूमुलेटेड इनकम से डोनेट करती है, अपने एक्यूमुलेटेड इनकम से डोनेट करती है, तो अगेन वो एप्लीकेशन का पार्ट नहीं होता। तो अगेन वो एप्लीकेशन का पार्ट नहीं होता। बट यहां पे क्लियरली कहा गया है कि ये जो डोनेशन है डियर, ये है इनके करंट ईयर इनकम से, ये इनके करंट ईयर इनकम से, मतलब ये हुआ कि एप्लीकेशन का पार्ट बन जाएगा, क्योंकि ये करंट ईयर के कंडीशन को भी पूरी करता है और ये कॉर्पस डोनेशन के लिए भी नहीं है। तो इसका मतलब ये 12 लाख रुपए भी एप्लीकेशन की तरह से काउंट होगा। आई होप सबको बात समझ में आ रही। तो जैसा कि हमने आपको बताया डियर कि दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन जो कि इंस्टीट्यूट ने बनाया हुआ है, ठीक है। अच्छा, द ट्रस्ट हैज अप्लाइड रुपीज 2 लाख आउट ऑफ इट्स करंट ईयर इनकम फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ ब्रदर ऑफ द ट्रस्टी। मुझे बताएं साहब, ट्रस्टी जो होता है वो आपका सेक्शन 13(3) का स्पेसिफाइड पर्सन है। ट्रस्टी का ब्रदर भी सेक्शन 13(3) का स्पेसिफाइड पर्सन है। अगर आपने स्पेसिफाइड पर्सन के लिए कोई खर्चा कर दिया, फिर से, अगर आपने स्पेसिफाइड पर्सन के लिए कोई खर्चा कर दिया, तो पहले तो साहब आपके ट्रस्ट के बंद करने तक की नौबत आ जाती थी, अब ऐसा नहीं है। अगर आपने स्पेसिफाइड पर्सन के लिए कोई खर्चा कर दिया, 2-3 इसके कॉन्सिक्वेंसेस है। पहला यह है कि वो एप्लीकेशन नहीं माना जाएगा, वो तो सर पहले भी था। अब इसमें नया क्या हो गया कि आपके सेक्शन 115BII की इनकम बन जाएगा, ठीक बात है। मतलब आपको सेक्शन 115BII में उस इनकम पे आपको जो है वो टैक्स पे करना पड़ेगा। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो गया कि साहब, चूंकि आपने स्पेसिफाइड पर्सन के लिए खर्चा कर दिया, आपके ऊपर पेनल्टी लग जाएगी 100% ऑफ द अमाउंट जो कि आपने इनकम किया है सेक्शन 271AE, जहां तक मुझे याद आता है। अदरवाइज मैंने अपने नोट्स पे लिखा हुआ है, वो आपको वहां पे मिल जाएगा, 271AE है शायद, जहां पे आपको 100% की पेनल्टी लग जाती है जो आपने इसमें स्पेसिफाइड पर्सन के लिए किया हुआ, ठीक बात है। तो सर एमसीक्यू में तो अच्छा, व्हाट वुड बी द एप्लीकेशन, अच्छा क्या साहब, एप्लीकेशन का अमाउंट कितना होगा अज्यूमिंग फुलफिल्ड सारे के सारे रिलेवेंट कंडीशन। तो एप्लीकेशन का अमाउंट कितना होगा, मुझे सारे बच्चे बताएं। हमने आपके साथ देखा था कैपिटल परपस मीन्स लैंड के लिए एप्लीकेशन कितना था सर, लोन वाला 10 और अदर वाला 15, बोले तो 25। अच्छा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के लिए एप्लीकेशन कितना था सर, करंट ईयर वाला 15, इसके पहले वाला 3 और इसके पहले वाला 1 लाख नहीं, क्योंकि वो तो आपको ऑलरेडी ड्यू बेसिस पे अलाउड था। और सर जी आपने ना अदर ट्रस्ट को डोनेशन दिया था, डोनेशन टू अदर ट्रस्ट शायद 12 लाख रुपए, और तो कुछ नहीं था ना, तो साहब यही होगा फिर, ये 55 लाख रुपए बनता है शायद टोटल एप्लीकेशन। हमने ना इसको बहुत डिटेल में यहाँ पे आपको समझा के नोट्स में दिया हुआ है, तो आप जरूर से नोट्स को डाउनलोड कर लें और डियर अपने दोस्तों के साथ भी जरूर से शेयर करें। अच्छा, तो ये 55 लाख रुपए हमने आपको यहाँ पे कैलकुलेट करके दिया हुआ है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, 55 लाख बी हो गया। अच्छा देखेंगे, इफ द ट्रस्ट डज नॉट गेट इट्स अकाउंट्स ऑडिटेड बिफोर द स्पेसिफाइड डेट, ध्यान दीजिएगा डियर, अगर ट्रस्ट को सेक्शन 11-12 का डिडक्शन क्लेम करना है तो उसको दो काम करने पड़ते हैं डियर। पहला, इनको अपना IDR फाइल करना पड़ता है,
और दूसरा इनको सीए से टैक्स ऑडिट करा के ड्यू डेट आईटीआर के फाइल करने के ड्यू डेट के एक महीने पहले तक अपना ऑडिट रिपोर्ट जमा करना पड़ता है। अगर इन दोनों में से कुछ भी नहीं करते, आपको ये एक भी एक काम नहीं करते, तो उनको सेक्शन 11-12 का डिडक्शन नहीं मिलता है। मतलब इनको सेक्शन 11 और 12 का डिडक्शन नहीं मिलेगा। ठीक बात है। अच्छा, तो फिर अब एमसीक्यू में आते हैं। If the trust has not get its account audited before the specified date referred in section 11 44 AB, what would be the consequences? तो डियर हमें 11-12 का डिडक्शन नहीं मिलेगा, बस ये और क्या होगा। अच्छा, ऑप्शन ए है, नो डिडक्शन वुड बी अलाउड इफ द ट्रस्ट फेल्स टू गेट इट्स अकाउंट्स ऑडिटेड बिफोर द स्पेसिफाइड डेट। डियर, अगर आप एमसीक्यू के ऑप्शन के टेक्निकलिटीज में अगर आप नहीं जाते तो ऑप्शन ए भी करेक्ट है, ऑप्शन ए भी करेक्ट है। बट अगर आप थोड़ा सा इसके टेक्निकलिटी में जाते हैं तो यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है, वो है वर्ड यहाँ पे नो डिडक्शन वुड बी अलाउड। नो डिडक्शन, नो डिडक्शन का मतलब किसी भी तरीके का डिडक्शन अलाउड नहीं होगा। मुझे बताएं, अगर आप अपना टैक्स ऑडिट समय पे नहीं कराते और अगर आप टैक्स ऑडिट रिपोर्ट को समय से जमा नहीं करते तो क्या किसी भी तरीके का डिडक्शन अलाउड नहीं होगा? या सर सिर्फ और सिर्फ 11-12 वाला डिडक्शन अलाउड नहीं होगा? सर, लॉ तो कहता है कि 11-12 वाला डिडक्शन अलाउड नहीं होगा। लॉ ये थोड़ा ना कहता है कि आपको किसी भी तरीके का डिडक्शन अलाउड नहीं होगा। सर, किसी भी तरीके का डिडक्शन बोले तो, जैसे कि साहब मैंने ट्रस्ट को कैरी करता हूं, मैंने अपना ट्रस्ट चलाता हूं, मैंने उस ट्रस्ट के लिए बहुत सारे एम्प्लॉयज रखे होंगे जिनको मैं सैलरी पे करता हूं, तो क्या मुझे ये बिल अलाउड नहीं होगा? ट्रस्ट की इलेक्ट्रिसिटी की बिल आती है, मैंने वो इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर दिया, मैंने वाटर चार्जेस पे कर दिए, क्या मुझे ये बिल अलाउड नहीं होगा? मैंने कोई सिक्योरिटी चार्जेस पे किए, क्या मुझे ये बिल अलाउड नहीं होगा? मैंने लोन लिया, मैंने उसका इंटरेस्ट पे किया, क्या मुझे ये बिल अलाउड नहीं होगा? नहीं सर, ये आपको सब कुछ अलाउड होगा। आपको सिर्फ और सिर्फ 11-12 का डिडक्शन अलाउड नहीं होगा। यू गाइस गेटिंग? तो यहाँ पे जो वर्ड इस्तेमाल किया गया है ना, नो डिडक्शन, तो साहब ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है और इसलिए ये बहुत अप्रोप्रिएट आंसर नहीं बन रहा है, तो हम आगे वाले ऑप्शंस में भी प्रोसीड करें। अच्छा, कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड, हाँ साहब ये आपको अलाउड नहीं होगा, तो ऑप्शन बी आपका सही है। अमाउंट डोनेटेड, हाँ ये भी अलाउड नहीं होगा, ये भी ऑप्शन सही है। अच्छा, तो ये जब दोनों ही सही है तो फिर हुआ क्या? अच्छा हाँ, तो बोथ कैपिटल इनकर्ड, बोथ कैपिटल, तो साहब जो हमारा जो सबसे अच्छा जो ऑप्शन है वो है हमारे लिए ऑप्शन डी। क्यों? क्योंकि ऑप्शन डी में आपको सिर्फ और सिर्फ उन एक्सपेंडिचर्स के डिसअलाउंस की बात की गई है जो कि सेक्शन 11 और 12 से डील करते हैं। मैं फिर से बोलूंगा, ऑप्शन डी में सिर्फ और सिर्फ उन एक्सपेंसेस के डिसअलाउंस की बात की गई है जो कि आपके सेक्शन 11 और 12 से डील करते हैं, जबकि ऑप्शन ए में आपको हर प्रकार के एक्सपेंसेस के डिसअलाउंस की बात की गई है। डियर, हर प्रकार के एक्सपेंसेस को डिसअलाउ करना ये इंटेंट नहीं है लॉ का, इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है? डी। तो अगर हमें एक बेटर चॉइस करनी है तो साहब वो बेटर चॉइस है डी। हाँ, मैं अगेन कह रहा हूँ कि हम ऑप्शन ए को भी हम जो है डियर प्राइमा फेसी बेसिस पे हम खारिज नहीं कर सकते। मतलब ऑप्शन ए भी आपका बहुत हद तक सही है, बट ऑप्शन ए की वर्डिंग सही नहीं है, ऑप्शन डी की वर्डिंग सही है। ठीक। अच्छा, आगे आते हैं, व्हाट वुड बी द अमाउंट ऑफ इनकम चार्जेबल अंडर सेक्शन 115WBI। डियर, 115WBI में 5 तरीके के इनकम चार्जेबल होते हैं, तो मेरे साथ साथ आप देख लें। एक होता है इनकम एक्यूमुलेटेड इन एक्सेस ऑफ 15% ऑफ इनकम। तो मुझे बताएं, क्या इस वाले केस में ट्रस्ट ने अपनी इनकम अपने अपने पास 15% से ज्यादा की इनकम की एक्यूमुलेशन की है? सर, हम इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पे ये नहीं बताया गया कि ट्रस्ट ने क्या एक्स्ट्रा एक्यूमुलेशन के लिए अप्लाई वगैरह भी किया है कि नहीं किया, तो इसलिए यहाँ पे हमारे पास इसकी प्रॉपर जानकारी ना होने की वजह से हम ये पहला पॉइंट यहाँ पे काउंट नहीं कर सकते। दूसरा, एक्यूमुलेटेड इनकम विच सीज टू बी रिमेंड इन्वेस्टेड इन एनी मोड स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 11(5). क्या कोई ऐसा एक्यूमुलेटेड इनकम है ट्रस्ट का जो कि 11(5) वाले मोड में इन्वेस्ट इस साल नहीं हुआ या नहीं रह गया? नहीं सर, इसके बारे में भी जानकारी नहीं, तो हम यहाँ पे कुछ भी काउंट नहीं कर सकते। एनी इनकम नॉट एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 11 इफ नॉट इन्वेस्टेड इन एनी मोड स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 11(5)। तो सर, क्या यहाँ पे ऐसा कोई इनकम है? डियर, जो कॉर्पस डोनेशन आपको मिलता है वो आपका एग्जेम्प्ट तभी होता है जब वो 11(5) के मोड में आप इन्वेस्ट करते हैं। ठीक बात है। यहाँ पे आपको कॉर्पस डोनेशन 30 लाख रुपए का मिला, उस 30 लाख में से आपने सिर्फ और सिर्फ 25 लाख रुपए जो है डियर वो आपने 11(5) वाले मोड में इन्वेस्ट किए थे। इसका मतलब 5 लाख रुपए आपका कॉर्पस डोनेशन एग्जेम्प्ट नहीं हुआ। और उसको एग्जेम्प्ट नहीं होने का कारण क्या था? सर, उसका कारण ये था कि आपने उसको 11(5) वाले ना मोड में इन्वेस्ट नहीं किया था। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पैसा आपने 11(5) के मोड में इन्वेस्ट नहीं किया वो आपका 115WBI के इनकम का पार्ट बन गया। देखेंगे मेरे साथ सर। द ट्रस्ट रिसीव्ड कॉर्पस डोनेशन ऑफ 30 लैक्स आउट ऑफ विच इट डिपॉजिटेड 25 लैक्स इन द पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट। इसका मतलब 5 लाख रुपए आपका सेक्शन 11 में एग्जेम्प्ट हो जाता है यदि आप उसको 11(5) वाले मोड में डिपॉजिट करते, बट आपने यहाँ पे इसको डिपॉजिट नहीं किया इसलिए ये एग्जेम्प्ट नहीं हुआ। और ये एग्जेम्प्ट नहीं हुआ साथ में ये 115WBI के इनकम का भी पार्ट बन गया। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई हैं। तो मेरे साथ साथ देखेंगे,
एनी इनकम नॉट एग्जेम्प्टेड अंडर सेक्शन 11 इफ नॉट इन्वेस्टेड, तो ये 5 लाख रुपए 115 WBI का पार्ट बन गया। अच्छा आगे आते हैं, चौथा इनकम कौन सा टैक्स होता है डियर? इनकम अप्लाइड फॉर द बेनिफिट ऑफ एनी पर्सन रेफर्ड इन 13(3), मतलब स्पेसिफाइड पर्सन। यहाँ पे शायद आपने, आपको याद हो कि 2 लाख रुपए यहाँ पे जो है वो ट्रस्ट के ब्रदर के मेडिकल ट्रीटमेंट में इंकर कर दिए गए थे। अच्छा, द ट्रस्ट अप्लाइड रुपीज 2 लाख आउट ऑफ इट्स करंट ईयर इनकम फॉर द मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ ब्रदर ऑफ द ट्रस्टी, जो कि साहब 13 जो कि सेक्शन 13(3) में स्पेसिफाइड पर्सन है, हु मेट एन एक्सीडेंट वाइल इन द फैक्ट्री। तो साहब ये 2 लाख रुपए भी आपका 115 WBI का इनकम बन गया। अच्छा, इसके बाद है कि साहब जो पांचवा जो एलिमेंट आता है 115 WBI में, वो उनसे डील करता है जो मतलब ट्रस्ट जो है वो इंडिया के बाहर या इंटरनेशनल वेलफेयर को प्रमोट करते हैं। इसके बारे में भी इस क्वेश्चन में कोई जानकारी नहीं है, तो जो बेस्ट इन्फॉर्मेशन इस क्वेश्चन से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं उसके हिसाब से 7 लाख रुपए आपके 115 WBI में लायबल टू टैक्स होगा। ठीक बात है, यहां पे हमने आपको एक बात और बतानी है। अच्छा, हमने बात ऐसे यहाँ पे लिखी हुई भी है, ध्यान दीजिएगा, इनकम अप्लाइड फॉर द बेनिफिट ऑफ स्पेसिफाइड पर्सन अंडर सेक्शन 13(3), आप जरूर से पढ़ें, देखेंगे, इन इनकम अप्लाइड फॉर द बेनिफिट ऑफ एनी पर्सन स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 13(3) वुड नॉट अमाउंट टू द एप्लीकेशन ऑफ इनकम। ये बात तो आपको पता है, द ब्रदर ऑफ द ट्रस्टी इज अ स्पेसिफाइड पर्सन फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 13(3), क्योंकि सेक्शन 13(3) में जो स्पेसिफाइड पर्सन की लिस्ट दी गई है उसमें ब्रदर ऑफ द ट्रस्टी भी मेंशनड है। Hence, rupees 2 lakh applied for his medical treatment would not amount to application of income. ठीक बात है, बट बात यहाँ पे खत्म नहीं होती है। जो 2 लाख रुपए हैं, ये पहली बात तो 115 WBI में आपकी इनकम बन गई जिसपे आपको टैक्स देना पड़ेगा, और दूसरी बात यह है डियर कि इस 2 लाख रुपए पे आपको इतना ही 100% की पेनल्टी लग जाएगी सेक्शन 271(AA). अच्छा, सच इनकम वुड बी टैक्स एट 30% अंडर सेक्शन 115 WBI इन द हैंड्स ऑफ द ट्रस्ट एंड पेनल्टी एट द रेट 100%। और हाँ, 100% कब? जब ये आपने पहली बार किया है, जब आप इसको मल्टीपल टाइम्स करेंगे या जब आप इसको मतलब अगली बार अगर आपने ये सेम काम किया तो 200% की पेनल्टी है यहाँ पे। शैल बी लेविड एज पर सेक्शन 271(AA), हेंस पेनल्टी ऑफ रुपीज 2 लाख, क्योंकि साहब ये पहली बार ही है, इसके पहले तो नहीं लिखा हुआ कैसा जो है वो ट्रस्ट ने पहले भी कर लिया, तो हम यहाँ पे 200% की पेनल्टी कैसे लगा दें, हम तो 100% की पेनल्टी लगाएंगे। तो आपने 2 लाख रुपए अपने स्पेसिफाइड पर्सन के मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए लगाया, उतना ही हमने आपके ऊपर पेनल्टी लगा दी 271(AA) के हिसाब से। ठीक है साहब, अच्छा तो देखेंगे डियर, हमारा यहाँ पे जो ऑप्शन है 115 WBI, इसमें 7 लाख रुपए हमारा ऑप्शन हो गया, और यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाट इज द पेनल्टी अमाउंट, तो ये 2 लाख रुपए की पेनल्टी आ गई। अच्छा, आगे आते हैं, assuming that for the purpose of this MCQ, मतलब सिर्फ इस MCQ के लिए, the trust has received rupees 22 lakhs from trade, commerce and business. यानी जगह जो trade, commerce and business से पैसा receive करना गुनाह नहीं है, सिर्फ एक कंडीशन है, मतलब एक कंडीशन क्या, तीन कंडीशन है बेसिकली। पहला तो यह है कि आपके ऑब्जेक्टिव के हिसाब से होना चाहिए, दूसरा आपको अपने बुक्स अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ेंगे, तीसरा जो कंडीशन है डियर, ये एक्सक्लूसिव है सिर्फ उन ट्रस्ट के लिए जो कि एंगेज्ड है एनी अदर ऑब्जेक्ट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी, कि आपके ट्रेड या बिजनेस से जो रिसिप्ट आएगी, सारे बच्चे ध्यान देंगे, आपके ट्रेड या बिजनेस से जो रिसिप्ट आएगी वो आपके टोटल रिसिप्ट के मैक्सिमम 20% होनी चाहिए। ठीक बात है, यहाँ पे बिजनेस इनकी रिसिप्ट कितनी आई है, 22 लाख रुपए। अच्छा, मुझे सारे बच्चे क्या टोटल रिसिप्ट बताने का प्रयास करेंगे, टोटल रिसिप्ट कितना था डियर? सर टोटल रिसिप्ट था, एक तो वॉलेंट्री कॉन्ट्रीब्यूशन था 80 लाख रुपए, लोन लिया था हमने 40 लाख रुपए, क्या लोन मेरी रिसिप्ट होती है? नहीं सर। हाँ, मैंने कॉर्पस डोनेशन लिया था कितनी, 30 लाख रुपए, तो मेरी जो टोटल रिसिप्ट है डेट इज 110, मतलब 110 लाख रुपए, और 110 लाख का 20% कितना बनता है, 22 लाख रुपए, तो इसका मतलब हुआ कि मेरे बिजनेस से जो इनकम है डियर वो 22 लाख रुपए है, मतलब ये 20% से एक्सीड नहीं करती, तो इसका मतलब मैंने कोई भी कंडीशन का वॉयलेशन नहीं किया। अगर मैंने किसी भी कंडीशन का वॉयलेशन नहीं किया तो क्या मेरा रजिस्ट्रेशन वगैरह कैंसिल हो जाएगा, क्या मेरा एग्जेम्पशन मुझसे छीन लिया जाएगा? नहीं सर, क्योंकि मैंने जो अपने बिजनेस से रिसीव किया वो मैक्सिमम 20% ऑफ द टोटल रिसिप्ट किया। तो ध्यान दीजिएगा, द रजिस्ट्रेशन ऑफ द ट्रस्ट वुड बी कैंसल्ड, नहीं साहब, द रजिस्ट्रेशन ऑफ द ट्रस्ट वुड नॉट बी कैंसल्ड, दो द ट्रस्ट वुड बी डिनाइड एग्जेम्पशन, नहीं सर, ये ना रजिस्ट्रेशन कैंसिल होगा ना एग्जेम्पशन हमें मतलब डिनाई किया जाएगा। अच्छा, द ट्रस्ट वुड बी डिनाइड एग्जेम्पशन, नहीं सर। अच्छा, नीदर द रजिस्ट्रेशन ऑफ द ट्रस्ट वुड बी कैंसल्ड नॉट विल बी, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, डी। जल्दी से आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, मिस्टर आदेश अ रेजिडेंट इंडियन परचेज एन अपार्टमेंट इन आशियाना गार्डन्स अ गेटेड हाउसिंग कॉम्प्लेक्स। अच्छा, फ्रॉम मेजर्स आशियाना कंस्ट्रक्शंस लिमिटेड फॉर रुपीज 48 लैक्स। अच्छा, तो साहब आपने ना आपने जो है वो फ्लैट वगैरह खरीदा यहाँ पे आशियाना बिल्डर से। अच्छा, ही पेड इन एडिशन 1 लाख फॉर क्लब मेंबरशिप एंड 1 लाख फॉर कार पार्किंग, द स्टैम्प ड्यूटी ऑफ द अपार्टमेंट 49.80 लाख, इज मिस्टर आदेश लायबल टू मेक TDS? हाँ सर, आपको TDS करना पड़ेगा सेक्शन 194 IA में, ये फाइनेंस एक्ट 2022 में यहाँ पे अमेंडमेंट आई थी
पहले क्या था, सेक्शन 194 IA में जो TDS होता था वो होता था 1% ऑफ द अमाउंट ऑफ द ऑफ 1% ऑफ द कंसिडरेशन अमाउंट। कंसिडरेशन अमाउंट में फ्लैट का तो कॉस्ट आता ही आता था, साथ में अगर कोई कार पार्किंग है, कोई क्लब मेंबरशिप है, या अगर कोई ऐसी ही सिमिलर एक्टिविटीज के लिए भी पैसा दिया वो भी आपके कंसिडरेशन अमाउंट का पार्ट होता था। पहले क्या था कि अगर ये कंसिडरेशन अमाउंट 50 लाख रुपए से कम है तो आपको टीडीएस नहीं करना, ठीक बात है। फाइनेंस एक्ट 2022 ने अमेंड कर दिया और क्या कह दिया कि साहब आपको 1% का टीडीएस करना है, 1% का टीडीएस करना है ऑफ इधर द कंसिडरेशन अमाउंट और द स्टैम्प ड्यूटी ऑफ और द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी विच एवर इज हायर। तो पहले था कंसिडरेशन अमाउंट, यहां पे इन्होंने स्टैम्प ड्यूटी ऑफ वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी को भी डाल दिया, मीन्स दोनों में से जो भी हायर होगा उसका आपको 1% का टीडीएस करना है, ठीक है। 194 IA का TDS अप्लाई नहीं करेगा यदि 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 दोनों चीजें क्या क्या, कंसिडरेशन अमाउंट साथ में एंड स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी लेस देन है कितना, 50 लाख रुपीज। तो अगर आप यहां पे देखेंगे साहब तो यहां पे डियर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी जो है वो 49.80 लाख है, मतलब स्टैम्प ड्यूटी तो कम है बट जो कंसिडरेशन अमाउंट ऑफ द फ्लैट है वो यहां पे 48 लाख तो फ्लैट का है, प्लस 1 लाख क्लब मेंबरशिप का है और 1 लाख कार पार्किंग का है, मतलब 50 लाख रुपए। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे टीडीएस तो बनेगा क्योंकि जो कंसिडरेशन अमाउंट है डियर वो 50 लाख से कम नहीं है, वो एक्जैक्टली 50 लाख है। तो टीडीएस कितना बनेगा, 1% ऑफ द कंसिडरेशन अमाउंट और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी विच इज हायर। यहाँ पे हायर क्या है, कंसिडरेशन अमाउंट मतलब 1% ऑफ 50 लाख मतलब 50,000 रुपए। अच्छा तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, डी, मिस्टर आदेश इज लाइबल टू डिडक्ट टैक्स ऑफ ₹50,000। ये सेम ही बात यार डियर हमने यहाँ पे लिखी हुई है, तो आप इन नोट्स को जरूर से डाउनलोड कर लें। अच्छा जल्दी से आगे आते हैं। ए लिमिटेड अ फार्मास्यूटिकल कंपनी इन विच पब्लिक आर सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड, इट इशूड बोनस शेयर्स टू ऑल इट्स शेयर होल्डर्स, द कंपनी गिव्स फ्री सैंपल ऑफ मेडिसिन टू मेडिकल प्रैक्टिशनर्स। तो साहब यहाँ पे ए लिमिटेड ने दो काम कर रही है, ए लिमिटेड यहाँ पे दो तरह की चीजें दे रही है। पहला इन्होंने क्या दिया हुआ है, इन्होंने बोनस शेयर इशू किया हुआ है और दूसरा इन्होंने ना फ्रीबीज दिए हुए हैं। अच्छा तो ध्यान दीजिएगा डियर, ए लिमिटेड ने दो चीजें दी हैं, एक तो इन्होंने बोनस शेयर इशू किया हुआ है, दूसरा इन्होंने फ्रीबीज दिए हुए हैं। बी लिमिटेड भी दो चीजें कर रही है, बी लिमिटेड ने एक तो डिस्काउंट दिया हुआ है अपने कस्टमर्स को और दूसरा इन्होंने डीलर्स को एयर टिकट्स दिए हुए हैं, और टिकट्स भी कहां के दिए हुए हैं, बैंकॉक के दिए हुए हैं, ठीक है सर। अच्छा तो हमने कहा कि ए लिमिटेड और बी लिमिटेड दो कंपनीज है, ए लिमिटेड ने बोनस शेयर इशू किए, दूसरा इन्होंने फ्रीबीज दी। क्वेश्चन है कि यहाँ पे 194R का टीडीएस कटेगा कि नहीं कटेगा। 194R का टीडीएस मतलब आप परक्विजिट्स में, अगर आप कोई परक्विजिट्स वगैरह देते हैं तो फिर 194R का आपको टीडीएस काटना पड़ता है 20,000 रुपए से, यदि वो एक साल में ज्यादा होता है तो। अच्छा मुद्दे वाली बात यह है डियर कि सीबीडीटी का सर्कुलर आया था और उस सर्कुलर में सीबीडीटी ने कहा था कि अगर आप बोनस शेयर इशू कर रहे हैं और अगर बोनस शेयर अगर इशू करती है एक ऐसी कंपनी जिसमें पब्लिक सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड है तो साहब वो 194R के टीडीएस के दायरे में नहीं आएगा, 194R के टीडीएस के दायरे में नहीं आएगा। कंडीशन क्या है कि बोनस शेयर कौन इशू करे, एक ऐसी कंपनी जिसमें पब्लिक सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड है, तब 194R के टीडीएस के दायरे में नहीं आएगा। अगर आप बोले तो मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूं। अच्छा हाँ यही है 194R का टीडीएस। यहाँ पे डियर अगर आप देखें सीबीडीटी गाइडलाइंस फॉर द पर्पस ऑफ रिव्यूइंग डिफिकल्टीज, तो अगर आप देखेंगे साहब बोनस शेयर वाला पॉइंट, कहाँ गया सर, प्योर एजेंट, अच्छा हाँ भूल गया, क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे साहब, ये लास्ट ही क्वेश्चन था। अच्छा कहते हैं वेदर द इशू ऑफ बोनस शेयर्स और बेनिफिट्स अमाउंट टू टीडीएस, देखेंगे बोनस शेयर विद नॉट अमाउंट टू बेनिफिट एज ओवरऑल वैल्यू फर्दर, ध्यान दीजिएगा इन पब्लिक आर सब्सटेंशियल इंटरेस्टेड। तो अगर एक ऐसी कंपनी जिसमें पब्लिक सब्सटेंशियल इंटरेस्टेड अगर वो बोनस शेयर इशू करती है तो सीबीडीटी ने अपने सर्कुलर में कहा हुआ है कि साहब उस पर ना आपको 194R का टीडीएस नहीं करना। ध्यान दीजिएगा सीबीडीटी का जो सर्कुलर है वो मतलब डिपार्टमेंट में बाउंड होता है, तो अगर एसईसी ने इस पर 194R का टीडीएस नहीं काटा, बहुत ध्यान से, ए लिमिटेड ने अगर इस बोनस शेयर को इश्यू किया और उस पर 194R का टीडीएस नहीं काटा तो डिपार्टमेंट इस वजह से ए लिमिटेड को असेसिन डिफॉल्ट
कंसिडर नहीं कर सकता, क्योंकि सीबीडीटी ने डिपार्टमेंट को साफ कहा हुआ है कि यार अगर ए लिमिटेड एक ऐसी कंपनी है जिसपे पब्लिक सब्सटेंशियल इंटरेस्टेड है तो उसके बोनस शेयर पे आपका, तो उसका जो बोनस शेयर है वो परक्विजिट के दायरे में नहीं आता फॉर द पर्पस ऑफ 194R। ठीक बात है, बट यहाँ पे एक और छोटी सी बात है, छोटी सी बात यह है डियर कि जो सर्कुलर होता है ना डियर, वो एसएससी पे बाउंड नहीं होता, एसएससी पे बाउंड नहीं होता अगर स्पेसिफिकली ना कहा जाए तो। ठीक बात है, तो इन एनी केस यहाँ पे आपको बोनस शेयर पे टीडीएस नहीं काटना क्योंकि परक्विजिट नहीं है। बट हाँ, ए लिमिटेड ने जो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स को फ्रीबीज दी हुई हैं, ये आपकी फ्रीबीज हैं, ये आपकी मतलब परक्विजिट्स हैं, इस पे आपको टीडीएस काटना पड़ेगा यदि वो 20,000 रुपए के थ्रेशोल्ड को क्रॉस करता है। अच्छा, और यहाँ पे लिखा हुआ है एंड द वैल्यू ऑफ सच ट्रांजेक्शन विद ईच रेसिडेंट एक्सीड्स द प्रिस्क्राइब्ड थ्रेशोल्ड। इसका मतलब यहाँ पे आपको टीडीएस करना पड़ेगा जो आप फ्रीबीज दे रहे हैं। ठीक है, अब आते हैं डियर बी लिमिटेड ने, बी लिमिटेड ने दो चीजें दी हैं, बी लिमिटेड ने अपने एजेंट्स को एयर टिकट्स दिए हुए हैं और दूसरा इन्होंने अपने कस्टमर्स को डिस्काउंट्स दिए हुए हैं। ध्यान दीजिएगा डियर फ्रेंड्स, सीबीडीटी ने अपने इसी सर्कुलर में कहा था कि अगर आप अपने कस्टमर्स को डिस्काउंट देते हैं तो ये 194R का टीडीएस तो इस पे बनता है, मतलब ये परक्विजिट तो है, परक्विजिट तो है, बट इस पे हम 194R का टीडीएस नहीं लगाएंगे क्योंकि ये प्रैक्टिकली एसएससी के लिए पॉसिबल नहीं होगा मैनेज करना। तो ऑल्दो ये परक्विजिट है बट ये 194R के टीडीएस से बाहर है। तो साहब अगेन यहाँ पे असेसिंग ऑफिसर बी लिमिटेड को नहीं कह सकता कि यार तुम इस मतलब डिस्काउंट पे 194R का टीडीएस काटो। ठीक बात है। अच्छा, पर यदि बी लिमिटेड अपने डीलर्स को फ्री टिकट्स वगैरह इशू करता है, डेट इज द परक्विजिट, इस पे 194R का टीडीएस बनेगा। तो आगे आते हैं जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 14। अच्छा, मिस्टर आकाश फाइल्ड हिज ओरिजिनल रिटर्न ऑफ इनकम अंडर सेक्शन 139(1) फॉर असेसमेंट ईयर 22-23 एंड 23-24 ऑन 31-7-2022 एंड 31-7-2023 रेस्पेक्टिवली। ही हाउवर फाइल्ड एन अपडेटेड रिटर्न अंडर सेक्शन 194(8)(a) फॉर असेसमेंट ईयर 22-23 ऑन 31-10-2023। चलें, व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट। ध्यान दीजिएगा डियर, 143(3) का जो असेसमेंट होता है वो रेलेवेंट असेसमेंट ईयर के एंड के 9 मंथ्स तक होता है, बट अगर आपने अपडेटेड रिटर्न फाइल किया है, सेक्शन 153(1)(a) शायद वो कहता है कि जिस प्रीवियस ईयर में आपने अपडेटेड रिटर्न फाइल किया है उस प्रीवियस ईयर के एंड के 9 मंथ्स तक आपका असेसमेंट हो सकता है 143(3) का। ठीक है, मतलब वो हो सकता है, कंप्लीशन हो सकता है। ठीक है, अच्छा, तो अगर हम बात करें तो आपने असेसमेंट ईयर 22-23 के लिए अपडेटेड रिटर्न फाइल कर दिया ऑन 31-10-2023, मतलब ये प्रीवियस ईयर एंड कब हो रहा है 31-3-2024, इस पे 9 मंथ्स अगर मैं ऐड कर दूं तो साहब ये कब कंप्लीट होना चाहिए, 31-12-2024। तो ये तो ये तो बात हुई डियर असेसमेंट ईयर 22-23 की। असेसमेंट ईयर 23-24 की बात करते हैं, असेसमेंट ईयर 23-24 में रिलेवेंट असेसमेंट ईयर के एंड के हिसाब आपको 9 मंथ्स तक आपका असेसमेंट हो जाना चाहिए 143(3) का, सेक्शन 153(1) के हिसाब से। तो ये जो आपका असेसमेंट ईयर है 23-24 ये एंड हो रहा है डियर 31-3-2024 में, और इसका 9 मंथ्स अगर मैं जोड़ दूं तो ये अगेन बनता है 31-12-2024। तो दोनों ही केस में 31-12-2024। अच्छा, तो इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया बी इन बोथ केसेस। आगे आते हैं 15, क्वेश्चन नंबर 15 इज अ गुड क्वेश्चन। अच्छा, मिस्टर राम अ रेजिडेंट इंडिविजुअल ऑफ 40 इयर्स हैज टोटल इनकम ऑफ 4,15,00,000 फॉर असेसमेंट ईयर 23-24 व्हिच कंप्राइजेस ऑफ सैलरी एलटीसीजी अंडर सेक्शन 112 60,00,000 रुपए, एलटीसीजी 45,00,000 रुपए 112A वाला, और शॉर्ट टर्म कैप गेन 111A वाला 100,00,000 रुपीज, और डिविडेंड 10,00,000 रुपए और इंटरेस्ट 20,00,000 रुपए। सवाल बनता है साहब इनके टैक्स लायबिलिटी क्या है। इस वाले क्वेश्चन में खास बात यह है कि फाइनेंस एक्ट 2022 ने सरचार्ज के रेट्स को अमेंड किया था और 112 वाला जो LTCG है उस पर भी सरचार्ज आपका कैप हो गया 15% पे। पहले डियर ये सिर्फ और सिर्फ 112A वाला LTCG, 111A वाला शॉर्ट टर्म कैप गेन डिविडेंड इनकम पे था, बट फाइनेंस एक्ट 2022 ने 112 के LTCG को भी 15% के सरचार्ज पे कैप कर दिया था। ठीक बात है। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेरी कोई टैक्स बनती है ऑन LTCG अंडर सेक्शन 112 या LTCG अंडर सेक्शन 112A या शॉर्ट टर्म कैप गेन अंडर सेक्शन 111A या डिविडेंड इनकम, इस पे जो भी मेरा मतलब टैक्स लायबिलिटी बनेगा उस पे जो मेरा मतलब सरचार्ज होगा डियर वो मैक्सिमम 15% का होगा। ठीक बात है। अच्छा, इसके बाद इन इनकम को छोड़ के अगर मेरी बाकी इनकम अप टू दो करोड़ है तो उस पे जो मेरा सरचार्ज बनेगा वो 15% बनेगा, 2 से 5 है तो 25% बनेगा, और अगर 5 से ज्यादा है तो 37% बनेगा। तो मैं अपनी अदर इनकम देखता हूं कि मेरी अदर इनकम कितनी है। अदर इनकम बोले तो कौन सी इनकम,
सर आपकी अदर इनकम मतलब 112 का सरचार्ज, मतलब 112 का LTCG, 112 A का LTCG, 111 A का शॉर्ट टर्म कैप गेन और आपकी डिविडेंड इनकम, इनको छोड़कर आपकी जो बाकी इनकम है, तो इसके अलावा मेरी और मेरी कौन सी इनकम है डियर? सैलरी है मेरे पास 180 और मेरे पास अच्छा इंटरेस्ट इनकम भी है 20 लाख रुपए। तो मेरी अदर इनकम 200 लाख तक मतलब 2 करोड़ तक है, तो मेरी अदर इनकम पे भी सरचार्ज कितना बनेगा? 15%। और मेरे मैक्सिमम कैप भी कितना बन रहा है? 15%, मतलब मेरे पूरे के पूरे टैक्स लायबिलिटी पे सरचार्ज कितना बन गया? 15%। तो इस वाले क्वेश्चन को इंस्टीट्यूट चाहता तो और ज्यादा टिपिकल बना सकता था, बट इंस्टीट्यूट ने ऐसा नहीं किया। यहाँ पे इंस्टीट्यूट ने आपका पूरा का पूरा सरचार्ज ही 15% पे कैप करवा दिया। ठीक है, अच्छा तो मेरे साथ साथ देखेंगे 4-15 अच्छा 4-15 तो देखेंगे डियर। इनकम सब्जेक्ट टू 15% सरचार्ज, ये सब कुछ हो गया। और आपकी टैक्स लायबिलिटी कैसे बनेगी? आपकी जो शॉर्ट टर्म कैप गेन थी 111 ए में 1 करोड़ रुपए की, उस पर 15% मतलब 15 लाख रुपए, 112 का LTCG 60 लाख रुपए, 20% मतलब 12 लाख रुपए, 112 ए का LTCG 45 लाख रुपए, पहला 1 लाख छोड़ के बाकी 10% मतलब साहब 4.40, क्योंकि 45 लाख में से 1 लाख घटाया 4.44 लाख, उसका 10%। अच्छा बाकी इनकम पे स्लैब रेट लगेगा, स्लैब रेट पे क्या क्या लगेगा? डिविडेंड इनकम, सैलरी और आपकी इंटरेस्ट इनकम। तो साहब डिविडेंड इनकम, सैलरी और इंटरेस्ट इनकम आपकी कितनी बनती है? 2 करोड़ 10 लाख रुपए। इस पे स्लैब रेट अगर आप लगाएंगे तो साहब स्लैब रेट बोले तो सर जी 10 लाख रुपए से ऊपर है तो 1,12,500 प्लस 30% जो भी इनकम आपकी 10 लाख से ज्यादा है, तो साहब ये आती है 61,12,000 रुपए। आपकी टोटल टैक्स लायबिलिटी आती है 92,52,500। इस पे अगर आप 15% का सरचार्ज लगाएंगे तो टोटल बनता है 1 करोड़ इतना। और इस पे मतलब मुद्दे वाली बात है, आपकी जो टैक्स लायबिलिटी बनती है वो बनती है 1,10,65,990। भाई हमने पूरा कैलकुलेट करके रखा हुआ, आप इन नोट्स को जरूर से देखें। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? ये शायद सी हो गया, शायद 1,10,65,000। अच्छा 1,10,65,990। अच्छा आगे आते हैं डियर, क्वेश्चन नंबर 16। हमारे एमसीक्यूज खत्म हुए, क्वेश्चन नंबर 16 भी अच्छा क्वेश्चन है। तो मेरे साथ साथ देखेंगे हुआ क्या यहाँ पे। मेजर्स अल्फा इन कंपनीज अ पार्टनरशिप फर्म विद 5 पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉस इक्वली। अच्छा इट्स रिटर्न ऑफ इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर 23-24 वाज सिलेक्टेड फॉर स्क्रूटनी अंडर सेक्शन 143(3). कंट्रोवर्सी वाज इन रिलेशन टू द लोन ऑफ 50 लाख फ्रॉम वन ऑफ द पार्टनर मिस्टर राघव credited in the books of the firm. The firm's explanation that Mr. Raghav has given a loan of 50 lakh carrying interest of 12% as approved by partnership deed was not accepted since Mr. Raghav's explanation for source of income in his hand was not found satisfactory by the assessing officer. Achha. Accordingly, the assessing officer treated the said amount as cash credit in the hands of the firm. एंड सब्जेक्टेड द सेम टू 78%, क्योंकि साहब कैश क्रेडिट बोले तो सेक्शन 68 लग गया, तो वहाँ पे अगर आपको लगता है तो आपका स्पेशल रेट ऑफ टैक्स बन जाता है सेक्शन 78% का। डिस्कस द करेक्टनेस ऑफ द एक्शन एट द एक्शन ऑफ द असेसिंग ऑफिसर। डियर यहाँ पे फाइनेंस एक्ट 2022 का अमेंडमेंट था, ध्यान याद करें, फाइनेंस एक्ट 2022 ने सेक्शन 68 को अमेंड किया था। बिफोर अमेंडमेंट, फाइनेंस एक्ट 2022 के अमेंडमेंट के पहले अगर हम देखें तो सेक्शन 68 की जो अप्लीकेबिलिटी होती थी, ऐसा नहीं कि वो लोन के केस में नहीं होती थी, बट लोन के केस में स्पेसिफिकली वहां पे मेंशन नहीं किया हुआ था। वहां पे पूरा का पूरा जो फोकस था डियर वो था आपके शेयर कैपिटल अमाउंट का, मींस आपने शेयर इश्यू किया उसके लिए आपको पैसा मिला। तो जिनके पास भी अनअकाउंटेड मनी होता था, असेसिंग ऑफिसर पूछता था कि बताओ साहब ये पैसा कहां से आया, आप किसी का भी नाम लगा देते थे कि यार मुझे ना इस पार्टी ने ना लोन दिया हुआ है। और सेक्शन 68 पहले असेसिंग ऑफिसर को ये एक्सप्रेस ऑथराइजेशन नहीं देता था कि असेसिंग ऑफिसर जो है वो उस पार्टी के पास जाके पता कर सके और उससे उसके सोर्स ऑफ इनकम के बारे में जानकारी ले सके। इसका मतलब ये हुआ कि पहले सेक्शन 68 ने असेसिंग ऑफिसर को ये एक्सप्रेस ऑथराइजेशन नहीं दिया था कि असेसिंग ऑफिसर जो है वो मतलब लेंडर के पास जाए और लेंडर से उसके सोर्स ऑफ इनकम के बारे में पूछे कि यार तुमने कि तुम जो हो वो लोगों को लोन देते जा रहे हो, तुम बताओ कि तुम्हारे पास ये पैसा कहां से आया। सेक्शन 68 ने पहले असेसिंग ऑफिसर को ये अथॉरिटी नहीं दी हुई थी, इसलिए असेसी जो है ये कह के निकल जाता था कि साहब ये पैसा जो है वो मेरे मतलब रिलेटिव ने मुझे लोन दिया हुआ है, और असेसिंग ऑफिसर जो है उस रिलेटिव के अगेंस्ट प्रोसीड नहीं कर सकता था बिकॉज कोई उसके पास अथॉरिटी नहीं थी। सेक्शन 68 ने को अमेंड कर दिया गया बाय फाइनेंस एक्ट 2022 और अब असेसिंग ऑफिसर के पास
सेक्शन 68 ने ये एक्सप्रेस ऑथराइजेशन दे दिया कि यार असेसिंग ऑफिसर, अगर कोई कैश क्रेडिट असेसी लोन की तरह से कहता है तो तुम उस लोन को देने वाले पर्सन मतलब लेंडर से भी तुम पता कर सकते हो कि यार लेंडर बताओ तुम्हारे पास ये पैसा कहाँ से आया, और अगर लेंडर वो सेटिस्फैक्टरी अपना सोर्स नहीं बता पाता तो तुम उसे कैश क्रेडिट की तरह से ट्रीट कर सकते हो। तो इसका मतलब यहाँ पे असेसिंग ऑफिसर ने यहाँ पे कुछ गलत नहीं किया, असेसिंग ऑफिसर ने जो किया वो एज पर एक्ट किया। हाँ, फाइनेंस एक्ट 2022 के अमेंडेड वाला एक्ट किया, ठीक है। अच्छा, यहां पे आप बच्चों को कुछ याद आ रहा होगा, बट वहां पे जाने से पहले मैं ना आपको थोड़ा सा रीडिंग करवा देता हूं। मेरे साथ साथ देखेंगे डियर, हमने ना ये पूरे नोट्स बना के रखे हुए हैं यहां पे। देखेंगे डियर, बैकग्राउंड एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्वेश्चन नंबर 16। लेट्स से ये पार्टनर हैं, इन्होंने पार्टनरशिप फर्म को 50 लाख रुपए दिया और ये पार्टनरशिप फर्म के बुक्स में 50 लाख रुपए शो हो रहे हैं, ठीक बात है। और स्क्रूटनी में पार्टनरशिप फर्म ने कहा कि यार ये जो 50 लाख रुपए है ना, ये तो पार्टनर ने हमें लोन दिया हुआ है जो कि 12% का इंटरेस्ट पे करना है। फाइनेंस एक्ट 2022 के अमेंडमेंट के पहले क्या होता था, लोन के केसेस में देयर वाज नो एक्सप्लिसिट, ध्यान दीजिएगा जो वर्ड इस्तेमाल किया गया, एक्सप्लिसिट ऑथराइजेशन टू द एओ बाय द एक्ट दैट एओ कैन प्रोसीड टू द लेंडर एंड आस्क इट टू एक्सप्लेन द सोर्स ऑफ सच मनी। मतलब ये हुआ कि सेक्शन 68 इनको एओ को अथॉरिटी नहीं देता था, ऐसा नहीं कि वो मना नहीं करता था, बट एक्सप्रेस ऑथराइजेशन भी नहीं देता था। इसकी वजह से जो मामला है डियर वो कोर्ट में चला जाता था, और कोर्ट जो ऐसे केसेस में जनरली असेसी के फेवर में ही रूलिंग देती थी, ठीक है। अच्छा, इन द एब्सेंस ऑफ द एक्सप्लिसिट ऑथराइजेशन बाय सेक्शन 68, इवन इफ एओ यूज्ड टू ट्राई टू अप्रोच टू द लेंडर, ही यूजुअली कांट गेट एनी वर्दी डिटेल्स, क्योंकि असेसिंग ऑफिसर क्योंकि वो जो मतलब पर्सन था डियर वो चला जाता था अपील में, और वहां पे असेसिंग ऑफिसर को सक्सेस नहीं मिलती थी। आगे आते हैं, पोस्ट अमेंडमेंट बाय फाइनेंस एक्ट 2022, सेक्शन 68 इज अमेंडेड बाय फाइनेंस एक्ट 2022 एंड एओ हैज बीन ग्रांटेड एक्सप्लिसिट ऑथराइजेशन। तो सर, तो डियर ये जो वर्ड है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सेक्शन 68 में ही अब आप एओ को ये अथॉरिटी दे दी गई कि यार एओ तुम ना लेंडर के पास जाके प्रोसीड कर सकते हो। That AO can ask the lender to explain the source of the money lended and in case of no satisfactory response can treat such sum as cash credit under section 68, ठीक बात है साहब। अच्छा, यहाँ पे आप बच्चों को ना केस याद आ रहा होगा, CIT वर्सेस मुथूट फाइनेंसरीज 2015, क्योंकि ये जो केस है डियर आपके स्टडी मैट का केस है। ऐसा नहीं कि ऐसे तो डियर बहुत सारे मतलब केसेस आते रहते हैं तो आप किसको याद रखेंगे, बट ये आपके स्टडी मैट में ये केस इंस्टीट्यूट ने दिया हुआ है। इस केस में मतलब ये जो CIT वाला जो केस जो है मीन्स मतलब मुथूट फाइनेंस वाला जो केस है, और इस वाले मतलब क्वेश्चन में कुछ सिमिलैरिटी है बट इसमें बहुत मेजर अंतर है। इस वाले केस में क्या हुआ, मुथूट फाइनेंस वाले केस में क्या हुआ कि मुथूट फाइनेंस वाले केस में भी एक पार्टनरशिप फर्म को उसके पार्टनर्स ने ना कैश दिया, उसने कैश दिया, जो कि इस वाले केस में भी हो रहा है, जो कि क्वेश्चन नंबर 16 में भी हो रहा है। बट मुथूट फाइनेंस वाले केस में पार्टनरशिप हमने कहा कि साहब ये जो पार्टनर्स हमें कैश दे रहे हैं ना, ये कैपिटल कंट्रीब्यूशन है, मतलब उन्होंने यहाँ पे लोन का नाम ही नहीं लिया, इसलिए यहाँ पे सेक्शन 68 एस सच हम यहाँ पे नहीं देख रहे। बट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 में पार्टनरशिप हम खुद से ये क्लेम कर रही है कि ये लोन है, इसलिए डियर इस वाले केस को क्वेश्चन नंबर 16 से कंफ्यूज ना करें। आगे आते हैं, ऑन 31/3/2023 ए लिमिटेड हैज एन आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट लायबिलिटी ऑफ 3.5 करोड़ टुवर्ड्स लोन पेबल टू IFCI लिमिटेड अ PFI मतलब पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ऑन द सेम डेट इट इशूड डिबेंचर्स टू IFSC इन लियू ऑफ द आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट एंड डिडक्टेड द सेड इंटरेस्ट व्हाइल कंप्यूटिंग प्रॉफिट्स फॉर द असेसमेंट ईयर 23/24। AO, however, rejected the deduction of interest on the loan claimed by A Limited. Discuss the validity of the action by the assessing officer. Dear, again, a Finance Act 2022 का अमेंडमेंट। फाइनेंस एक्ट 2022 ने डियर फ्रेंड सेक्शन 43B के एक्सप्लेनेशंस को अमेंड किया और वहां पे डाल दिया कि अगर असेसी ने किसी बैंक से, किसी पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, किसी स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन से, किसी NBFC से, किसी कोऑपरेटिव बैंक वगैरह से लोन लिया, वो इंटरेस्ट जो होता है वो एक्चुअल पेमेंट बेसिस पे अलाउड होता है, ये तो आपको पता है सेक्शन 43B में। उसमें कुछ एक्सप्लेनेशंस हैं और वो एक्सप्लेनेशन ये कहता है कि अगर आपने इंटरेस्ट को एक्चुअली पे नहीं किया बट वो इंटरेस्ट फर्दर किसी लोन वगैरह में कन्वर्ट हो जाता है तो वो जो लोन में जो इंटरेस्ट कन्वर्ट हो गया वो एक्चुअल पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट नहीं माना जाएगा और वो आपको अलाउड नहीं होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैंने IDFC से 50 करोड़ रुपए का लोन ले लिया,
10% पे मैंने साहब 3 साल तक उनको इंटरेस्ट पे नहीं किया। मुझे बताया आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट मेरा कितना बन गया, 15 करोड़। अच्छा, मैं आईसीआईसीआई के पास गया, मैंने कहा कि देखो साहब मेरे हालात देखो, आप एक काम करो, ये जो 15 करोड़ का आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है ना, ये आप ना एक अलग से एक लोन की तरह से कन्वर्ट कर दो, और जिसको मैं ना आपको ना 100 ईयर्स में मैं आपको रिपे कर दूंगा, ठीक है। तो ये जो 15 करोड़ रुपए को जो लोन की तरह से कन्वर्ट कर दिया गया, डेट वुड नॉट अमाउंट टू द एक्चुअल पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, और मैं 15 करोड़ रुपए का डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकता अपने बिजनेस प्रॉफिट से। हाँ, जब मैं उस लोन की इंस्टॉलमेंट्स पे करूंगा, वो लोन जो कि इंटरेस्ट को लोन बनाया गया था, तो मैं जो है उसका डिडक्शन क्लेम कर सकता हूँ जितना मैंने इंस्टॉलमेंट पे किया, ठीक है। तो साहब अगर आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट लोन में कन्वर्ट हो जाता है, तो वो कन्वर्जन जो है वो आपका इंटरेस्ट पेमेंट नहीं माना जाएगा। ये तो पहले भी सेक्शन 43B के एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ था। तो नई बात क्या हुई? नई बात ये हुई कि एसएससी के सीए ने कहा कि साहब 15 करोड़ रुपए आपका आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है आईसीआईसीआई के पास, ठीक है। अगर आप आईसीआईसीआई को बोलोगे कि यार इस 15 करोड़ को एक नए लोन में कन्वर्ट कर दो, सेक्शन 43B का एक्सप्लेनेशन आपको उसका डिडक्शन अलाउ नहीं करेगा। तो एक काम करो, आप आईसीआईसीआई को ना बॉन्ड्स इशू कर दो, या आप आईसीआईसीआई को क्या इशू कर दो, डिबेंचर्स इशू कर दो 15 करोड़ के। आपने आईसीआईसीआई को उस आउटस्टैंडिंग 15 करोड़ के इंटरेस्ट के बदले डिबेंचर्स या बॉन्ड इशू करवा दिया। तो इसको इशू करके आपने क्या किया, आपने उस 15 करोड़ का डिडक्शन क्लेम कर लिया अपने इंटरेस्ट का। यू गाइस गेटिंग? और सुप्रीम कोर्ट ने इसको अलाउ भी कर दिया, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को ओवर रूल करने के लिए फाइनेंस एक्ट 2022 अमेंड हुआ, मतलब फाइनेंस एक्ट 2022 ने एक्सप्लेनेशन 3C को अमेंड किया, और वहां पे ये कह दिया कि अगर आपका किसी बैंक वगैरह को कोई आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट देना है, अगर उस आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट को कोई लोन वगैरह में कन्वर्ट हो जाता है, तो वो एक्चुअल पेमेंट नहीं होगा। ये तो सर जी पहले भी था, नया क्या आया? अगर वो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट किसी बॉन्ड में, किसी डिबेंचर में, या किसी भी ऐसे इंस्ट्रूमेंट में कन्वर्ट हो जाता है जिसकी वजह से इसको पे करने की लायबिलिटी आपकी हो सकता है आगे बढ़ जाए, ये भी एक्चुअल पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट नहीं माना जाएगा। आई यू गैस गेटिंग? ये भी एक्चुअल पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट नहीं माना जाएगा। मतलब मुद्दे वाली बात यह है कि अगर आपने आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट के बदले उस बैंक को कोई मतलब डिबेंचर्स वगैरह इशू कर दिया, वो भी एक्चुअल पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट नहीं माना जाएगा। फाइनेंस एक्ट 2022 का अमेंडमेंट है। पहले डेयर अगर हम आज से 1 साल पहले की बात करें, तो इसी क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल अलग होता था, और हम यहाँ पे ये कहते थे कि जो असेसिंग ऑफिसर ने जो एक्शन किया है वो गलत है, क्योंकि हम यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का रेफरेंस देते थे, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने एक्वा मतलब टेक्नोलॉजीज के केस में जजमेंट दी थी, और उसके हिसाब से हम ये कहते थे कि यार असेसिंग ऑफिसर का एक्शन इनवैलिड है। बट चूंकि अब एक्ट ही अमेंड हो गया, तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट ओवररूल हो गया, उसकी वजह से अब हम ये कहेंगे कि असेसिंग ऑफिसर का एक्शन सही है। क्यों? क्योंकि साहब सेक्शन 43B का एक्सप्लेनेशन जो है 3C, वो क्लियरली ये कहता है कि अगर आपने आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट को किसी बॉन्ड वगैरह में कन्वर्ट करवा दिया, वो एक्चुअल पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट नहीं माना जाएगा, ठीक है सर। तो यही बात डियर हमने यहाँ पे आपको लिख के दी हुई है, देखेंगे मेरे साथ साथ। लेट्स सी, ये एसएससी है, इस एसएससी ने बैंक को इंटरेस्ट पेबल है इसका, इसने लोन लिया हुआ था। इंटरेस्ट इज अलाउड एज अ बिजनेस एक्सपेंडिचर फॉर टैक्स पर्पसेस टू द एसएससी ओनली ऑन एक्चुअल पेमेंट बेसिस, ठीक बात है। In other words, even if the SSC follows the mercantile system of accounting, it can claim the interest deduction on due basis. अच्छा, it cannot claim the interest मतलब deduction on a due basis. तो ये बात section 43B कहता है। अच्छा, also if the bank converts such outstanding interest to another loan or borrowing, such conversion would not amount to the actual payment of interest. ये बात तो already explanation 3C में थी। तो नई बात क्या हुई? However, for the outstanding interest amount, SEC started to give bonds and मतलब debentures to the bank and claimed it to be the actual payment of interest. कि आपने क्या कर दिया? आपने साहब उस outstanding interest के बदले debentures या bond issue करना शुरू कर दिया, और आपने उसको actual payment of interest मानना शुरू कर दिया। This practice is also upheld by Supreme Court. In this way, SEC used to get unfair advantage and it become a tool for tax evasion. तो फाइनेंस एक्ट 2022 ने इसको काउंटर करते हुए एक्सप्लेनेशन 3C को अमेंड कर दिया, और वहां पे ये कह दिया कि अगर आप उस आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट को किसी भी ऐसे इंस्ट्रूमेंट में कन्वर्ट कर देते हैं, इंक्लूडिंग बॉन्ड या फिर मतलब मीन्स डिबेंचर्स, जिसकी वजह से उस इंटरेस्ट को पे करने की लायबिलिटी आगे बढ़ जाती है, एक्चुअल पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट नहीं माना जाएगा, आप उसका डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते, ठीक है सर। अच्छा,
तो यहाँ पे असेसिंग ऑफिसर का एक्शन सही है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में, एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग पर्संस आर रिक्वायर्ड टू फाइल रिटर्न ऑफ इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर 23-24 गिविंग ब्रीफ रीजन फॉर योर आंसर। आपको डियर पता है आईटीआर को फाइल करने के बहुत सारे हम कह सकते हैं कि मतलब क्राइटेरियाज हैं, कुछ नए क्राइटेरियाज ऐड कर दिए गए थे बाय रूल 12AB। ठीक बात, ये बात आपको याद होगा और हम आपको थोड़ा सा ना रूल 12AB को दिखा भी देते हैं। अच्छा देखेंगे डियर, कंडीशंस फॉर फर्निशिंग रिटर्न ऑफ इनकम, तो ये बाकी जो कंडीशंस उसके अलावा है, मतलब ये हुआ कि अगर आपको पहले, अगर आप इसके पहले भी बहुत सारे ऐसी मतलब कंडीशंस है जहां पे आपको अपना आईटीआर फाइल करना पड़ता है, जैसे जैसे अगर आपकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा इनकम है तो आपको अपना आईटीआर वगैरह फाइल करना पड़ता है। अगर आप एक कंपनी या फॉर्म है तो आपको हर केस में अपना आईटीआर फाइल करना पड़ता है, चाहे आपका प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, मीन्स देयर कैन बी एनीथिंग विद यू, आपको अपना आईटीआर फाइल करना पड़ेगा। अच्छा तो फिर एक एक करके मेरे हिसाब से देखेंगे। मिस्टर अल्बर्ट एज 31 ईयर्स हुज टर्नओवर फ्रॉम बिजनेस 70 लाख, आप बिजनेस का टर्नओवर 70 लाख रुपए है फॉर द प्रीवियस ईयर 22-23 एंड हुज टोटल इनकम इज 2 लाख रुपए। बताएं सर, मतलब बिजनेस का टर्नओवर 70 लाख रुपए है और मेरी टोटल इनकम कितनी है 2 लाख रुपए, तो सर क्या ये जेन्युइन केस नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। हो सकता है कि कोरोना की वजह से सर जी 11.5 महीने तो हमारा शॉप ही बंद था, तो बताएं फिर हम मतलब पैसा कैसे कमाते। पर सर जी मतलब टर्नओवर तो आपका कितना है 70 लाख रुपए, बट आपकी इनकम कितनी है 2 लाख रुपए, तो साहब नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में आपको अपना आईटीआर फाइल नहीं करना। क्यों? क्योंकि आपकी जो टोटल इनकम है वो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से कम है और बेसिक एग्जम्पशन लिमिट मिस्टर अल्बर्ट के लिए कितनी होगी 2.5 लाख रुपए, बट इनकी इनकम यहाँ पे कितनी है 2 लाख रुपए। पर यहाँ पे डियर रूल्स 12AB भी हमें साथ में पढ़ना पड़ेगा और रूल 12AB कहता है, ध्यान दीजिएगा, अ पर्सन कैरिंग ऑन बिजनेस, अगर एक पर्सन बिजनेस करता है और यदि उसकी प्रीवियस ईयर में जो टर्नओवर है वो 60 लाख रुपए से एक्सीड कर जाएगी तो उसको अपना ATR भरना पड़ेगा, भले उसको लॉस आ जाए, उसको एक पैसे का भी प्रॉफिट ना हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब बिजनेस का टर्नओवर भी एक कंडीशन या एक क्राइटेरिया बन गया फॉर फाइलिंग ITR। आर यू गाइस गेटिंग? तो हमने क्या देखा कि ऑल्दो मिस्टर अल्बर्ट का जो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है यहाँ पे वो साहब बेसिक मतलब मिस्टर अल्बर्ट की जो इनकम है वो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से कम है, पर चूंकि इसकी बिजनेस से 10 ओवर 60 लाख रुपए से एक्सीड कर गई, इसलिए साहब रूल 12AB लग गया और इनको अपना ITR फाइल करना पड़ेगा प्रीवियस ईयर 22-23 या असेसमेंट ईयर 23-24 के लिए। ठीक है साहब, तो यहाँ पे आपको अपना ITR फाइल करना पड़ेगा। अच्छा तो यहाँ पे यस नो बोलना काफी नहीं है। अगर ये क्वेश्चन लेट से कि 5 पॉइंट है, अगर 6 नंबर का क्वेश्चन है, अगर मान लीजिए एग्जाम में अगर ये 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, अगर आपने यस नो लिख दिया, यस नो अगर सही भी है बट अगर उसका एक्सप्लेनेशन गलत है, अगर उसके पीछे का रीजनिंग अगर गलत है, तो आप इंस्टीट्यूट से ये उम्मीद ना करें कि वो स्टेप मार्किंग करेगा, हो सकता है कि वो आपको कुछ भी नंबर ना दे। तो डियर यहाँ पे यस नो लिखना जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही जरूरी इसका सही रीजन भी लिखना है कि साहब किस वजह से आपको अपना ITR फाइल करना है। ठीक है, तो पहले वाले में भले आपकी जो इनकम है डियर वो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से कम है, पर चूंकि आपका जो बिजनेस का टर्नओवर है वो 60 लाख रुपए से एक्सीड कर गया, इसलिए साहब रूल 12 भी कहता है कि आपको अपना ITR फाइल करना पड़ेगा। ठीक है साहब। अच्छा, मिस्टर आशीष एज 42 ईयर्स हैज ग्रॉस रिसिप्ट ऑफ 5 लाख फ्रॉम प्रोफेशन एंड प्रॉफिट 2.5 लाख फ्रॉम प्रोफेशन, इन एडिशन ही हैज इंटरेस्ट ऑफ 4 लाख ऑन FD। बताएं साहब, इनकी तो जो मतलब बेसिक इनकी जो इनकम है वही बहुत है, इनकी इनकम कितनी है 2.5 लाख प्लस 4 लाख की FD प्लस 50,000 की सेविंग्स, मतलब 7 लाख रुपए की इनकम है, तो हमें बाकी कुछ नहीं देखना। चूंकि आपकी इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा है इसलिए मिस्टर आशीष को अपना ITR फाइल करना पड़ेगा। पर सर एक बात बताओ, आपने तो रूल 12AB की बात की थी, अगर आप रूल 12AB में आए तो 12AB में कहा गया है अ पर्सन कैरिंग ऑन प्रोफेशन, और 12AB कहता है कि एक पर्सन को जो प्रोफेशन कैरी कर रहा है उसको अपना रिटर्न तब फाइल करना है यदि उसकी इनकम जो है या उसकी जो ग्रॉस रिसिप्ट है प्रोफेशन से वो 10 लाख रुपए से एक्सीड करती है, तब 12AB कहता है कि ITR भरो। बट मिस्टर आशीष की तो जो प्रोफेशन से इनकम है जो ग्रॉस रिसिप्ट है वो 5 लाख रुपए है। डियर फ्रेंड्स, 12AB रूल 12AB में बिल्कुल आखिरी में जाएंगे, यहां पे हमें रूल 12AB को देखने का काम ही नहीं है, यहां तो बिल्कुल पहली ही कंडीशन लग गई। और बिल्कुल पहली कंडीशन क्या है कि आपकी इनकम जो है वो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा होनी चाहिए। दिस इज द वेरी फर्स्ट क्राइटेरिया ऑफ फाइलिंग ITR। आई होप ये बात सबको पता है साहब। ठीक बात है, इसलिए इस क्राइटेरिया की वजह से यहाँ पे मिस्टर आशीष को अपना ITR फाइल करना पड़ेगा, यहाँ पे इनके प्रोफेशन से जो भी इनकम है वो मायने नहीं रखती। ठीक है। अच्छा, मेजर्स ABC एंड कंपनी अ लॉ फर्म, पार्टनरशिप फर्म या कंपनी, आपने जहां देखा वहां ITR फाइल करना है, बाकी कुछ नहीं देखना आपको, भले इनके प्रोफेशन से कुछ भी आए कुछ ना आए हमें कोई लेना देना नहीं है।
एक्स वाई जेड प्राइवेट लिमिटेड विच इज इंकर्ड एन एक्सपेंडिचर ऑफ 95,000 टुवर्ड्स कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ध्यान दीजिएगा डियर, जैसे आपने कंपनी देखा एटीआर फाइल करने की कंडीशन है, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन का क्राइटेरिया हम यहाँ पे कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि जैसे आप कंपनी है आपको आईटीआर फाइल करना पड़ेगा, बाकी कुछ भी रेलिवेंट नहीं है। अच्छा, पॉइंट नंबर 5 इंपॉर्टेंट है, मिस्टर वेलिश 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 हमने पहले भी देखा था, मतलब इसी वाले आरटीपी में देखा था। अच्छा, एज 58 ईयर्स, हु हैज डिपॉजिटेड 50 लाख इन हिज सेविंग्स बैंक अकाउंट विद एसबीआई ऑन 28 मार्च 2023। अच्छा, द सेट सम वाज रिसीव्ड एज अ गिफ्ट फ्रॉम हिज सन मिस्टर ऋषि हु इज एम्प्लॉयड बाय अ कंपनी। तो इसका मतलब हुआ कि मिस्टर वलीश की अगर आप इनकम कंप्यूट करें डियर, तो 50 लाख रुपए इनकी इनकम नहीं है, क्योंकि 56,210 यहाँ पे इनवो किसलिए नहीं हुआ, क्योंकि साहब ये इनको मिस्टर ऋषि से मिली है, अपने सन से, जो कि यहाँ पे उनके मतलब रिलेटिव हैं, इसलिए ये इनकी इनकम नहीं बनी। बट हाँ सर जी, इन्होंने 28 मार्च 2023 को ना बैंक में एफडी करा, बैंक के में सेविंग्स बैंक अकाउंट में पैसा जमा कर दिया, तो वहां से इंटरेस्ट भी तो आएगा। तो अगर मैं प्रीवियस ईयर 22-23 की बात करूँ, मुझे बताएं कितने दिन का इंटरेस्ट है साहब, 28, 29, 30, 31, 4 दिन का, मतलब 4 दिन का इंटरेस्ट, 4 डेज सेविंग्स बैंक इंटरेस्ट। अच्छा, सेविंग्स बैंक इंटरेस्ट मतलब एसबीआई। अच्छा, द सेट सम वाज रिसीव्ड एज अ गिफ्ट, ये बात हो गई। मिस्टर वेलिश यूज द सेट सम टू परचेज अ फ्लैट फॉर 30 लाख ऑन 25 मार्च अप्रैल 2023 फॉर सेल्फ रेजिडेंस, द बैलेंस मनी वॉज ट्रांसफर्ड। तो ये सारी बातें तो साहब अप्रैल 2023 में, मतलब प्रीवियस ईयर 23-24 में, हम तो प्रीवियस ईयर 22-23 की बात कर रहे हैं। अच्छा, मिस्टर वेलिश डिड नॉट मेंटेन एनी अदर बैंक अकाउंट, ही इज नॉट इन रिसिप्ट ऑफ एनी अदर सोर्स ऑफ इनकम अदर देन इंटरेस्ट ऑन एफडी। इसका मतलब हुआ कि इनके पास कोई और इनकम नहीं है अदर देन इंटरेस्ट ऑन एफडी। बट सर जी, एफडी की जो इंटरेस्ट है वो तो इनके प्रीवियस ईयर 23-24 से आएगी, प्रीवियस ईयर 22-23 में तो एफडी है ही नहीं, प्रीवियस ईयर 22-23 में तो उन्होंने इस पैसे को सेविंग्स बैंक अकाउंट में जमा कराया है। तो मुझे बताएं मिस्टर वेलिश के लिए प्रीवियस ईयर 22-23 में इनकी इनकम कितनी है, क्या ये बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा है? नहीं सर, ये 4 दिन का सेविंग्स बैंक का इंटरेस्ट है डियर। अगर आप भारतीय बैंक में देखें तो सेविंग्स बैंक में आपको मैक्सिमम 6% मिलता है, तो अगर आप इस 50 लाख का 6% निकालेंगे तो साहब 4 दिनों के लिए तो ये तकरीबन कोई 3,500 रुपए के आसपास होगा। चलें सर जी, 6% की जगह 12% ले लें, 7,000 रुपये होगा। क्या ये सेविंग्स बैंक का इंटरेस्ट 2.5 लाख से ज़्यादा होगा? नहीं सर। तो एक बात तो क्लियर है कि मिस्टर वेलिश की प्रीवियस ईयर 22-23 में जो इनकम है साहब, वो तो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से कम है। बट हाँ, हमें ना साथ में और भी कंडीशंस देखने पड़ेंगे आईटीआर को फाइल करने के। यहाँ पे एक बात लिखी हुई है, और वो बात क्या है यहाँ पे, कि मिस्टर वेलिश ने प्रीवियस ईयर 22-23 में एक बैंक अकाउंट में, अपने सेविंग्स बैंक अकाउंट में 50 लाख रुपए जमा कराए हुए। तो अगर आप रूल 12EB को मेरे साथ साथ पढ़ेंगे, तो मेरे साथ साथ देखेंगे, एनी पर्सन हैविंग सेविंग्स बैंक अकाउंट, अगर किसी पर्सन के पास सेविंग्स बैंक अकाउंट है और उसने यदि एक साल में 50 लाख या उससे ज्यादा जमा कराए हैं ड्यूरिंग द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर, उसको अपना आईटीआर फाइल करना पड़ेगा, भले उसकी इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से कम हो। ठीक बात है। तो यहाँ पे भले मिस्टर मतलब वेलिश की इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से कम है, बट चूंकि इन्होंने अपने सेविंग्स बैंक अकाउंट में 50 लाख रुपए जमा करा दिए, 12EB यहां पे इनवोक हो गया, इसलिए इनको अपना आईटीआर फाइल करना पड़ेगा। तो डियर, ये कंडीशनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखेंगे डियर एग्जाम में आपको कैसे लिखना है। मैं आपको मिस्टर वेलिश का पॉइंट पढ़ा देता हूं। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ मिस्टर वेलिश फॉर द प्रीवियस ईयर 22-23, रिसिप्ट ऑफ 50 लाख फ्रॉम सन, इस पे क्या आपका वो बनेगा? नहीं सर, क्योंकि सन से पैसा आपने रिसीव किया है, ये आपका गिफ्ट नहीं बनेगा। 56,210 में रिलेटिव से पैसा काउंट नहीं होता। अच्छा, इंटरेस्ट फ्रॉम SBI, तो साहब SBI से आपको सेविंग्स बैंक में इंटरेस्ट तो मिला, बट वो 4 दिनों का इंटरेस्ट है, ये क्या बहुत पैसा होगा? नहीं सर। बट ये किस रेट पे इंटरेस्ट मिला, कितना मिला, ये नहीं लिखा हुआ, बट हम कहीं से भी ये अज्यूम नहीं कर सकते कि वो जो सेविंग्स बैंक का इंटरेस्ट है आपका वो 2.5 लाख से क्रॉस कर गया। ठीक है, हमें डियर मतलब रैशनल अजम्पशंस ही लेने पड़ेंगे। अच्छा, तो यहाँ पे साहब ये जो मतलब रीजनिंग है डियर, डेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल्दो द टोटल इनकम ऑफ मिस्टर वेलिश इज लेस देन द बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, बट एज ही हैज डिपॉजिटेड ₹50 लाख इन वन और मोर ऑफ द सेविंग्स अकाउंट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 22-23, ही इज रिक्वायर्ड टू फाइल हिज रिटर्न ऑफ इनकम। और इसके पीछे रीजनिंग क्या है, रूल 12AB का कंडीशन। ठीक है साहब। अच्छा, आगे आते हैं जल्दी से, देखेंगे डियर क्वेश्चन नंबर 19B, फाइनेंस एक्ट 2022 के अमेंडमेंट से डील करता है। तो ये लास्ट क्वेश्चन है जो मैं आपके साथ देखेंगे, बाकी सारे के सारे क्वेश्चन आपके रिपीटेटिव हैं, एक आध क्वेश्चन और अगर हम देखेंगे तो देख लेंगे। तो मेरे साथ से जल्दी से देखेंगे, द बिजनेस प्रमाइसेस ऑफ मिस्टर अर्जुन वाज सर्च्ड ऑन 17/4/2022 अंडर सेक्शन 132, मतलब ये सर्च का केस है। अच्छा, कंसिक्वेंट टू विच द असेसिंग ऑफिसर हैज इन हिज मतलब पोजिशन डॉक्यूमेंट्स रिवीलिंग इन्फॉर्मेशन पर्टेनिंग टू शेयर्स परचेज्ड
इन द प्रीवियस ईयर 16-17 फॉर 23 लाख एंड इन द प्रीवियस ईयर 17-18 फॉर 25 लाख कैन द असेसिंग ऑफिसर इशू नोटिस अंडर सेक्शन 148 फॉर ब्रिंगिंग टू टैक्स द इनकम स्किपिंग असेसमेंट। डियर फ्रेंड्स, 148 का नोटिस अगर आप इशू करते हैं तो दो चीजें आपको देखनी पड़ती हैं। पहला कि आपके पास ऐसा इन्फॉर्मेशन होना चाहिए जो कि आपको मतलब सजेस्ट करे, मीन्स असेसिंग ऑफिसर शुड हैव द इन्फॉर्मेशन। उस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे असेसिंग ऑफिसर को ये कन्फर्म लगे कि इनकम जो है वो एस्केप हो गई असेसमेंट की, ठीक बात है। बट और हाँ, साथ में अगर लेट्स सर्च का केस है और अगर वो 1/4/2021 के बाद अगर सर्च हुई है तो ये डीम्ड कर लिया जाएगा, मीन्स ये मान लिया जाएगा कि असेसिंग ऑफिसर के पास वो इनकम है जिससे असेसिंग ऑफिसर जो है वो सर्च को कंडक्ट कर सकता है, ठीक बात है। अच्छा, दूसरा, असेसिंग ऑफिसर को स्पेसिफाइड अथॉरिटी की अप्रूवल लेनी पड़ेगी। सेक्शन 151 कहता है स्पेसिफाइड अथॉरिटी कौन है, जनरली डियर मतलब PCIT वगैरह जो है वो स्पेसिफाइड अथॉरिटी होती है। तो ये दो तो आपकी बेसिक कंडीशन है, बट हाँ, एक ना टाइम लिमिट होती है फॉर द पर्पस ऑफ इश्यू ऑफ नोटिस अंडर सेक्शन 148 और सेक्शन 149(1) कहता है वो टाइम लिमिट क्या होगी। वो टाइम लिमिट क्या होती है, 3 साल होती है फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर। मतलब साहब, आप जो 148 का जो नोटिस है इनकम स्किपिंग असेसमेंट के केस में, वो मैक्सिमम 3 साल इशू कर सकते हैं। पहले किसी जमाने में 6 साल होती थी, बट बाद में इसको कम किया गया। बट सर जी, इससे तो जो है वो असेसी को फायदा हो गया। कैसे, कि अगर 3 साल तक उसकी चोरी नहीं पकड़ी गई तो उसकी तो फिर चोरी पकड़ी नहीं जा सकती, आपका कहना सही है। इसलिए यहाँ पे एक्ट में ये भी कह दिया गया कि यार 3 साल तो होगी होगी, बट अगर लेट से कि एक बड़ा असेसी है, मतलब बड़ा असेसी मतलब जिसने ना ज्यादा पैसा जो है वो सरकार का चोरी कर लिया, उस केस में 10 साल तक होगी फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट। सर, ज्यादा पैसा चोरी कर लिया मतलब क्या कहना चाहते हो, जैसे उस असेसी के पास कोई ऐसा एसेट है जो कि इनकम एस्केप्ड असेसमेंट को मतलब रिप्रेजेंट करता है, मीन्स कोई ऐसा एसेट हो, कोई उसने ऐसा एक्सपेंडिचर कर दिया हो, या कोई उसके पास ऐसी बुक एंट्री मिल जाए, ध्यान दीजिएगा, और इसका तीनों का सम टोटल अगर 50 लाख से ज्यादा है, अगर इन तीनों का सम टोटल 50 लाख से ज्यादा है तो 10 साल तक जो है वो उसको 148 का नोटिस इशू किया जा सकता है। मीन्स इन तीनों का सम टोटल 50 लाख से ज्यादा है साहब, तो 10 साल तक इनकम स्किपिंग असेसमेंट का नोटिस 148 का इशू किया जा सकता है। तो लेट्स से कि असेसिंग ऑफिसर को सर्च में पता चलता है कि असेसी ने किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे थे लेट्स से 10 लाख रुपए के, उस केस में 148 का नोटिस इशू करने का टाइम कितना है, 3 साल। क्यों? क्योंकि सर जी 50 लाख रुपए का जो थ्रेशोल्ड है वो क्रॉस नहीं हुआ। असेसिंग ऑफिसर को पता चलता है, उसने रेट डाली, उसको पता चलता है कि यार इसने ना 10 लाख रुपए के शेयर्स खरीदे हुए थे, 20 लाख रुपए से ये ना बैंकॉक घूम के आ गया था, और 30 लाख रुपए इसके बुक्स में ना जो है वो एंट्री है, मतलब बुक एंट्री है ऑफ एनीथिंग। तो कुल मिला के सम टोटल कितना हो गया, 60 लाख, जो कि 50 को क्रॉस कर गया। तो जैसे 50 को क्रॉस करेगा, अब आप 10 साल तक 148 का नोटिस इशू कर सकते हो। आर यू गाइस गेटिंग, किसी को बात समझ आ रही है? अच्छा, तो साहब इस केस में 148 का जो मतलब नोटिस इशू होगा वो 10 साल तक हो सकता है। तो अब यहां पे मुद्दे वाली बात यह है कि तो बस यही है और क्या। अच्छा, तो तुम मेरे साथ साथ देख लें फिर। और हाँ, एक और बात रहेगी बतानी आपको, फाइनेंसर 2022 ने डियर यहाँ भी अमेंडमेंट की थी, और फाइनेंसर 2022 ने ना एक्सप्लेनेशन एक्सपेंडिचर और ये बुक एंट्री वाला पॉइंट एंटर किया था। इसके पहले ना सिर्फ एसेट्स होते थे, तो एक्सपेंडिचर भी काउंट हो गया और मतलब बुक एंट्री भी काउंट हो गई, ठीक है। आपसे अच्छा, तो मेरे साथ साथ देखेंगे डियर, द बिजनेस प्रीमाइसेस ऑफ मिस्टर अर्जुन वाज सर्च ऑन 17/4/2022 अंडर सेक्शन 132, कंसीक्वेंट टू विच द असेसिंग ऑफिसर हैज इन इट्स पोजीशन डॉक्यूमेंट्स रिवीलिंग इन्फॉर्मेशन टू शेयर्स परचेज इन प्रीवियस ईयर 16/17 फॉर 23 लाख एंड प्रीवियस ईयर 17/18 फॉर 25 लाख। तो इसका मतलब साहब, शेयर्स आपके एसेट्स हैं, इनकम एस्केप्ड असेसमेंट एसेट के फॉर्म में रिप्रेजेंट होता है, बट साहब ये 25 और 23 का टोटल कितना, 48 लाख, मतलब 50 का थ्रेशोल्ड क्रॉस नहीं हुआ, तो कितने समय तक इशू कर सकते हैं, 3 साल फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर। आर यू गाइस गेटिंग, रेलेवेंट असेसमेंट ईयर बोले तो साहब प्रीवियस ईयर 16/17, मतलब असेसमेंट ईयर खत्म कब हुआ, 31/3/2018 को, 31/3/2016, 17/18 ये असेसमेंट ईयर हुआ, तो 31/3/2018, तो आप नोटिस कब तक इशू कर सकते थे 148 का, सर 18, 19, 20, 21, मतलब 31/3/2021। अच्छा, और अगर मैं प्रीवियस ईयर 17/18 की बात करूं तो ये नोटिस इशू हो सकता था 31/3/2022, बट अब आप नोटिस, बट आपने रेट कब डाली, 17/4/2022, मींस अप्रैल 2022, मतलब ये टाइम निकल गया, अब आप 148 का यहां पे एस्केप, बट आप अब यहां पे आप 148 का नोटिस इशू नहीं कर सकते, ठीक है सर। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन है, वुड योर आंसर चेंज इफ द शेयर परचेज इन 16/17 वाज ऑफ 30 लाख इंस्टेड ऑफ 23 लाख। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि 16/17 में आपने जो शेयर्स खरीदा था वो 30 लाख रुपए का था, तो मुझे बताएंगे 16/17 और 17/18 के जो एसेट्स का जो एसेट जो आपके इनकम का जो एस्केप हो गया था, जो कि एसेट के फॉर्म में अब आपके पास है, वो
मतलब कितने का है साहब? 30 लाख और 25 लाख, मतलब 55 लाख रुपए का। क्या 50 का थ्रेशोल्ड क्रॉस हो गया? हाँ सर। तो अब आपको नोटिस कब तक इशू किया जा सकता है? 10 साल तक। तो क्या 10 साल, अगर आप 17/4/2022 को नोटिस इशू करते हैं तो क्या 10 साल पूरे हो गए? नहीं, अब आप इसको नोटिस को इशू कर सकते हैं। ठीक बात। अच्छा, वट वुड बी योर आंसर इफ कंसिक्वेंट टू सर्च द असेसिंग ऑफिसर हैज इन हिज पोजीशन डॉक्यूमेंट्स रिवीलिंग इन्फॉर्मेशन पर्टेनिंग टू एक्सपेंडिचर ऑफ 52 लाख इनकर्ड फॉर द मैरिज ऑफ हिज डॉटर इन द प्रीवियस ईयर 16/17 इंस्टेड ऑफ इन्फॉर्मेशन पर्टेनिंग टू शेयर। मुद्दे वाली बात यह है कि साहब ये अज्यूम करें कि आप ना शेयर्स वगैरह कुछ नहीं है, 16/17 में असेसी ने अपने मतलब डॉटर के मैरिज के लिए 52 लाख रुपए खर्च किए थे और असेसी ने इस वाले एक्सपेंडिचर का कोई सोर्स वगैरह नहीं बताया, तो साहब पहले मीन्स फाइनेंस एक्ट 2022 के पहले ये काउंट नहीं होता था, बट अब ये काउंट हो गया क्योंकि एसेट्स भी आ गए। एसेट्स आ गए क्या, इन द सेंस कि एसेट्स तो आपके मतलब पहले भी थे, एक्सपेंडिचर भी आ गया और आपका मतलब बुक एंट्री भी आ गया। और 16/17 में एक्सपेंडिचर, और वो एक्सपेंडिचर का अमाउंट कितना है? 52 लाख रुपए। क्या 50 का थ्रेशोल्ड क्रॉस हो गया? हाँ। तो आप 10 साल तक नोटिस इशू कर सकते हैं। तो साहब 16/17 का असेसमेंट ईयर एंड कब होता है? 31/18। और ये नोटिस कब तक इशू हो सकता है? 31/2028 तक हो सकता है शायद। तो आप इसको तब तक आप नोटिस इशू कर सकते हैं। तो साहब आप 17/4/22 को इशू कर रहे हैं, आप नोटिस इशू कर सकते हैं 148 का। तो यही बात हमने यहाँ पे आपको लिख के दी हुई है। ठीक है साहब, देखेंगे बैकग्राउंड एंड अंडरस्टैंडिंग। दिस इज द केस ऑफ इनकम स्किपिंग असेसमेंट। द टू असेस सच इनकम असेसिंग ऑफिसर शैल इशू नोटिस अंडर सेक्शन 148। 148 के नोटिस को इशू करने के लिए दो प्री कंडीशंस होती हैं। पहला, एओ शैल हैव इन्फॉर्मेशन विच मतलब सजेस्ट डेट इनकम चार्जेबल टू टैक्स हैज स्किप्ड असेसमेंट, परंतु हाउ एवर इन केस अ सर्च इज इनिशिएटेड अंडर सेक्शन 132 ऑन और आफ्टर 1/4/2021, इट शैल बी डीम्ड डेट एओ हैज इन्फॉर्मेशन विच सजेस्ट डेट इनकम हैज स्किप्ड असेसमेंट। मतलब ये हुआ कि यहाँ पे डीम्ड कि ये मान लिया जाएगा कि एओ के पास वो इन्फॉर्मेशन है, तो पहली कंडीशन तो पूरी होगी। दूसरी कंडीशन है कि एओ शैल ऑब्टेन द अप्रूवल ऑफ स्पेसिफाइड अथॉरिटी एज रेफर्ड इन सेक्शन 151। तो थर्ड वाले केस में असेसिंग ऑफिसर जब नोटिस इशू करेगा तो उसको स्पेसिफाइड अथॉरिटी की अप्रूवल लेनी पड़ेगी, और सेकंड वाले केस में जो नोटिस इशू होगा स्पेसिफाइड अथॉरिटी की अप्रूवल लेनी पड़ेगी। ठीक है सर। अच्छा, आगे आएंगे टाइम लिमिट फॉर द इशू ऑफ नोटिस अंडर सेक्शन 148 अप टू 3 ईयर्स फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर। हाँ जी, जो साहब ये जो मतलब 3 साल जो है इसके लिए किसी भी तरीके का इनकम स्किप्ड असेसमेंट का कोई भी मॉनेटरी थ्रेशोल्ड नहीं है। इवन अगर 1 लाख रुपए की भी इनकम मतलब एस्केप हुई असेसमेंट से तो आप यहाँ पे नोटिस इशू कर सकते हैं 148 का। पर अप टू 10 ईयर्स फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलिवेंट असेसमेंट ईयर इफ द इनकम चार्जेबल टू टैक्स रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ एसेट एक्सपेंडिचर और बुक एंट्री, और इन तीनों का यदि टोटल जो है डियर वो 50 लाख रुपए से या उससे ज्यादा है, वो एक प्रीवियस ईयर का हो सकता है, एक से ज्यादा प्रीवियस ईयर का हो सकता है। बस एक बात यहाँ पे ध्यान रखने की है कि अगर ये मल्टीपल मतलब प्रीवियस ईयर का है तो 148 का नोटिस आपको प्रीवियस ईयर वाइज या असेसमेंट ईयर वाइज इशू करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि क्वेश्चन नंबर टू में मतलब पॉइंट नंबर टू में यहाँ पे अच्छा इसके पॉइंट नंबर टू में 148 का नोटिस तो इशू होगा क्योंकि साहब यहाँ पे जो इनकम स्किपिंग असेसमेंट है वो 30 लाख और 25 लाख रुपए है, मतलब 55 लाख रुपए है। तो यहाँ पे दो नोटिस जाएंगे, एक तो आपका जाएगा रिलेटिंग टू असेसमेंट ईयर 16/17/18 शायद, और एक आपका जाएगा असेसमेंट ईयर 18/19 का, क्योंकि दो अलग अलग असेसमेंट ईयर से डील करता है वो। ठीक, तो फिर डियर हमने आपके साथ ये देखा क्वेश्चन नंबर 20, 21 ये सारे रिपीटेटिव हैं, और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 भी रिपीटेटिव है, और ऐसा रिपीटेटिव है कि जिसको हम कह सकते हैं कि मतलब हाईली मीन्स मतलब रिपीटेटिव। बट डियर सेक्शन 20 मतलब क्वेश्चन नंबर 22 में आपके साथ कुछ एडजस्टमेंट्स की बात कर लेते हैं, बाकी तो ये क्वेश्चन रिपीटेटिव है। देखेंगे SF Limited is engaged in the manufacturing and sale of pharmaceutical products. The net profit of the company is इतना इतना अच्छा। यहाँ पे एक दो अच्छे अच्छे मतलब adjustments हैं। पहला है opening and closing stock of 66 lakh and 63 lakh respectively. Opening stock under overvalued है 10% से और closing stock undervalued है 10% से। तो साहब ये important है। डियर फ्रेंड्स, ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक के अंडर वैल्यूड और ओवर वैल्यूड होने का डायरेक्ट इंपैक्ट आता है आपके प्रॉफिट पे। अगर आपका ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है तो आपके प्रॉफिट्स उतने से ही कम हो जाएंगे, अगर आपका ओपनिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड है आपके प्रॉफिट्स उतने से ही बढ़ जाएंगे, अगर आपका क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है साहब प्रॉफिट आपके उतने से बढ़ जाएंगे, और आपका क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड है तो प्रॉफिट उतने से कम हो जाएंगे। तो सर आप कहना क्या चाहते हो? हम डियर ये कहना चाहते हैं कि अगर आपका ओपनिंग स्टॉक
ओवर वैल्यूड है और साथ में क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड है, तो ये दोनों आपके प्रॉफिट्स कम करने का काम करेगा। यू गाइस गेटिंग? सर ये आप इतने दावे से कैसे कह सकते हो? डियर हमने ये पूरा इलस्ट्रेशन आपको बना के दिया हुआ है, आप चाहें तो घर पे इस इलस्ट्रेशन को देखें। तो मुद्दे वाली बात यह है कि यहाँ पे कंपनी कह रही है कि यार हमारा ना 66 लाख रुपीज का जो ओपनिंग स्टॉक है ये 10% से ओवर वैल्यूड है। इसका मतलब 10% से इसने अपने प्रॉफिट्स को घटा दिया, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक का ओवर वैल्यूएशन मतलब प्रॉफिट आपका कम हो गया। तो सर जी अगर आपका ओपनिंग स्टॉक अगर 66 लाख रुपए आप शो करते हो 10% ओवर वैल्यूड है, तो आपका ओपनिंग स्टॉक होना कितना चाहिए था? 60 लाख रुपए, क्योंकि 66 लाख रुपए ये कितना है 110%, तो आपका ओपनिंग स्टॉक सही में कितना का था? 60 लाख रुपए। तो साहब ये 6 लाख रुपए की आपने ओपनिंग स्टॉक को ओवर वैल्यू किया था, मतलब आपने 6 लाख से प्रॉफिट अपना घटा दिया था। किसी को बात समझ आई? अच्छा, इसी तरीके से आपने अपना क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यू किया हुआ है 10% से। तो साहब क्लोजिंग स्टॉक आपका अंडर वैल्यू है मतलब 10% से, मतलब ये जो 63 लाख रुपए आप बता रही हो आपका 90% हुआ, तो इसका मतलब क्लोजिंग स्टॉक आपका सही में कितना होना चाहिए था? 70 लाख रुपए। और आपने इसको शो कितना किया हुआ है? 63 लाख रुपए, मतलब आपने 7 लाख रुपए से अपना क्लोजिंग स्टॉक कम किया हुआ है। तो इसका मतलब 7 लाख रुपए से आपने अपना प्रॉफिट कम किया हुआ है। तो साहब पहले वाले एडजस्टमेंट का इंपैक्ट ये होगा कि 13 लाख रुपए से आपका प्रॉफिट बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि साहब आपने दोनों ही वो काम किए जिससे प्रॉफिट्स कम होते हैं। अच्छा, तो डियर ये हमने यहाँ पे डिटेल में आपको यहाँ पे बता के दिया हुआ है कि आपका 13 लाख रुपए से प्रॉफिट बढ़ जाएगा, ठीक है। अच्छा, आगे आते हैं। पेमेंट ऑफ 65 लाख ऑन 15 अक्टूबर टू अ फॉरेन कंपनी फॉर ऑप्टेनिंग नो हाउ। तो साहब अगर आप फॉरेन कंपनी को नो हाउ के लिए पेमेंट करते हैं, तो आपकी इंटेंजिबल एसेट है जिसपे 25% का डेप्रिसिएशन क्लेम करें, इसको आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की तरह से क्लेम नहीं कर सकते। बट हाँ, आपने ये पेमेंट 15 अक्टूबर 2022 को किए, तो साहब वो 180 डेज का क्राइटेरिया मीट नहीं हो रहा, तो यहाँ पे आपको पहले साल 12.5% मिलेगा। अच्छा, आगे आते हैं। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ 2200 शेयर्स ऑफ मेजर्स एमएस लिमिटेड अ लिस्टेड कंपनी, अच्छा, फॉर ₹297, तो 297 का प्रॉफिट है। अच्छा, दिस शेयर्स वर सोल्ड ऑन 27/11/2022 फॉर 220 पर शेयर। डियर फ्रेंड्स, ये कंपनी है लिस्टेड और द हाईएस्ट प्राइस, अच्छा, तो और साहब आपने एसटीटी पे कर दिया, तो इसका मतलब यहाँ पे सेक्शन 112A लग जाएगा, मैंडेटरी, आपको इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं मिलेगा और जो रेट आपका लगेगा वो 10% लगेगा 1 लाख रुपए को छोड़कर। बट यहाँ पे एक और खास बात है, चूंकि आपने आपने शेयर्स परचेज किया था 1 फरवरी 2018 से पहले, तो इसकी जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगी वो चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे इन्होंने जो 297 का प्रॉफिट कंप्यूट किया है वो कैसे कंप्यूट किया है, इन्होंने दिखाया है साहब जो सेल प्राइस है हमारा वो है 2200 इंटू कितना 220 रुपए पर शेयर आपने सेल किया था 484, और इन्होंने कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या कंसिडर कर ली 85 रुपए, मतलब 2200 × 85, तो ये बनता है साहब 187। इन्होंने अपना प्रॉफिट कितना कंप्यूट किया 297, बट यहाँ पे साहब ये जो प्रॉफिट है ये कंप्यूट तो ऐसे ही होगा, बट कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन चेंज हो जाएगा, क्योंकि सर जी आपने ना यहाँ पे जो शेयर्स परचेज किए थे ना वो 31 जनवरी 2018 के पहले किए थे, और आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होता है? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन शैल बी हायर ऑफ, पहला था कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, दूसरा था लोअर ऑफ, दो चीजों का लोअर, क्या क्या? FMV ऑफ द शेयर्स एज ऑन 31 जनवरी 2018, चूंकि वो शेयर्स आपके मार्केट में कोटेड हैं तो हाईएस्ट प्राइस फॉर विच द शेयर्स वॉज कोटेड मतलब 195। अच्छा, दूसरा हो गया सेल प्राइस मतलब 220 मतलब 195 हो गया, तो इसका मतलब आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बन गई 195 × 2200, बोले तो साहब 429, तो आपकी जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बन गई वो बन गई 429, और आपका जो सेल प्राइस है वो है 484, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके लिए जो प्रॉफिट आता है साहब वो 55,000 रुपये का आता है। ये जो 297 प्रॉफिट नहीं है, 55,000 का प्रॉफिट आता है। तो यही बात हमने आपको आपको डिटेल में समझा के दी हुई है, देखेंगे साहब ये 55,000 का प्रॉफिट कैसे है, हमने पूरी यहाँ पे एक्सप्लेन की हुई है आपको बातें। आगे आते हैं। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस ऑफ 8 लाख फॉर द मंथ, ध्यान दीजिएगा डियर, ये पता नहीं इंस्टीट्यूट को इससे क्या प्यार है, ये हर क्वेश्चन में ये मतलब डाल देता है। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस जो है डियर वो 43B के कंडीशन में नहीं आती, तो अगर आपने इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस नहीं भी पे किया तो भी आप उसका एक्यूरल बेसिस पे डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं, ये 43B का एक्चुअल पेमेंट का कंडीशन इस पे नहीं लगता। अच्छा, लॉस ऑफ 2.2 लाख ड्यू टू हेजिंग कॉन्ट्रैक्ट, ध्यान दीजिएगा, और हेजिंग किससे डील करता है? आपके रॉ मटेरियल से, जो कि आपको अपने मैन्युफैक्चरिंग के लिए चाहिए थी, क्योंकि वो मैन्युफैक्चरिंग के लिए है और वो रॉ मटेरियल के लिए, इसलिए स्पेक्युलेटिव लॉस नहीं है, ये नॉर्मल बिजनेस लॉस है, आप इसको ये आपको अलाउड होगा। अच्छा, क्रेडिट टू द स्टेटमेंट ऑफ P&L डिविडेंड ऑफ 5 बीस रिसीव्ड ऑन 2022 फ्रॉम अ फॉरेन कंपनी। डियर फ्रेंड्स, फाइनेंस एक्ट 2022 के अमेंडमेंट से पहले, चूंकि ये आपकी एक ऐसी फॉरेन कंपनी है जिसपे आप 26% या उससे ज्यादा शेयर्स ओन करते हैं, तो ये आपके लिए स्पेसिफाइड फॉरेन कंपनी थी, और सेक्शन 115 BB
डी जहां तक मुझे याद आता है डियर, वो कह रहा था इसमें 15% का रेट ऑफ टैक्स लगेगा, बट फाइनेंस एक्ट 2022 ने से मतलब अमेंड कर दिया और ये जो आपका मतलब डिविडेंड इनकम है डियर, इस पर आपको नॉर्मल रेट ऑफ टैक्स लगाना पड़ेगा जो कि नॉर्मल आपके बाकी डिविडेंड पे लगेगा। अच्छा ये सारी बातें हो गई। अच्छा पॉइंट नंबर 9 देख लें, एडवांस रिसीव्ड अमाउंटिंग टू 22 लाख रुपए ऑन सेल ऑफ लैंड। डियर फ्रेंड्स, अगर आप 1/4/2014 के बाद अगर आप कोई भी एडवांस फॉरफिट करते हैं तो जो भी आपने एडवांस फॉरफिट किया वो आपके अदर सोर्सेज की इनकम बन जाती है सेक्शन 56(2)(11) के हिसाब से। मतलब ये 20 लाख रुपए आपके अदर सोर्सेज की, 22 लाख रुपए आपके अदर सोर्सेज की इनकम बन गई। ठीक है। अच्छा लास्ट पॉइंट देख लें, लॉस ऑफ ₹2 लाख फ्रॉम हेजिंग कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड इनटू फॉर मिटिगेटिंग लॉस अराइजिंग ड्यू टू फ्लक्चुएशन इन फॉरेन करेंसी पेमेंट टुवर्ड्स इंपोर्टेड मशीनरी। तो डियर इंपोर्टेड मशीन के केस में अगर आपको कोई हेजिंग कॉन्ट्रैक्ट में लॉस वगैरह होता है तो सेक्शन 43 ये कहता है कि उस लॉस को उसके कॉस्ट ऑफ उसके एक्चुअल कॉस्ट या उसके मतलब WDV ऑफ द ब्लॉक एज अ केस में उसको ऐड कर दो, उसको आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की तरह से क्लेम नहीं कर सकते। तो सेक्शन 43A के हिसाब से इस लॉस को आपको उसके ब्लॉक ऑफ असेट एक्चुअल कॉस्ट में ऐड करना पड़ेगा। ठीक बात है। और अकॉर्डिंगली आप क्या कर सकते हैं, इंक्रीज्ड अमाउंट पर डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हैं। ठीक है साहब। अच्छा तो यही सारी बातें हमने आपको आपको मेंशन करके दी हुई हैं। तो डियर इसके अलावा जितने भी क्वेश्चंस हैं वो हम कह सकते हैं कि अल्ट्रा मतलब रिपीटेटिव हैं, जो कि मल्टीपल टाइम्स इंस्टीट्यूट ने आपसे मतलब पूछ लिया। एंड आई डोंट नो वाई इंस्टीट्यूट के पास डियर वो लोग नहीं है क्या जो कि नए क्वेश्चंस ड्राफ्ट कर सकते हैं, या इंस्टीट्यूट जो है वो बच्चों को थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि फील गुड मतलब फैक्टर मतलब देना चाहता है एग्जाम के पहले, कि बच्चों को लगे RTP देख के क्या यार कि RTP में तो सारे के सारे मतलब रिपीटेटिव क्वेश्चन आते हैं। और इंस्टीट्यूट ने अपने लोगों को कहा हुआ है कि यार जो आपको नए क्वेश्चन देने वो सिर्फ और सिर्फ एग्जाम में देने, RTP में बच्चों को जो है वो उलझा के रखो और उनको ये फील आने दो कि यार सारे के सारे रिपीटेटिव क्वेश्चन आते हैं। आई डोंट नो किसके पीछे क्या रीजन है, बट स्टिल ये सारे के सारे रिपीटेटिव क्वेश्चन और मल्टीपल टाइम्स रिपीटेटिव क्वेश्चन हैं। और साहब मतलब DT जैसे एरिया में आई डोंट नो वाई। एनी हाउ हमने आपके साथ डियर ये पूरा RTP देख लिया, तो जरूर से आप बच्चे जो हैं इस RTP को ध्यान से देखें।